श्री रामो राम भद्रश्च रामचंद्रश्च शाश्वतः राजीवलोचनः श्रीमान राजेन्द्रो रघुपुंगवः जानकी वल्लभो जैत्रो जितामित्रो जनार्दनः विश्वामित्र प्रियो दान्त शरणत्राण तत्परः वाली प्रमथनो वागमी सत्यवाक सत्यविक्रमः सत्यव्रतो व्रतधरः सदा हनुमद आश्रितः कौसल्येह खरद्वंसी विराधवद पंडितः विभीषण परित्राता हरकोदंड खंडनः सप्तताल प्रभेत्ता च दशग्रीव शिरोहरः जामदग्नय महादर्प दलनस्ताट कांतकः वेदांत सारो वेदात्मा भवरोगस्य भेषजम् दूषण त्रिशिरोहंता त्रिमूर्ति स्निगुणात्मकः त्रिविक्रम स्निलोकात्मा पुण्य चारित्र कीर्तनः त्रिलोक रक्षको धन्वी दंडकारण्य कर्तनः अहल्याशाप शमनः पितृभक्तो वरप्रदः जितेन्द्रियो जित क्रोधो जितामित्रो जगद्गुरुः ऋषवानर संघाती चित्रकूट समाश्रयः जयंत्र त्राण वरदः सुमित्रा पुत्र सेवितः सर्वदेवादि देवश्च मृतवानर जीवनः माया मारी च हंता च महादेवो महाभुजः सर्वदेवस्तुतः सौम्यो ब्रह्मण्यो मुनि संस्तुतः महायोगी महोदार सुग्रीव वेप्सित राज्यदः सर्वपुण्याधिक फलः स्मृत सर्वाघनाशनः आदिपुरुषः मरम पुरुषो महापुरुष एव च पुण्योदयो दयासार पुराण पुरुषोत्तमः स्मितवक्त्रो मितभाषी पूर्वभाषी च राघवः अनंत गुण गंभीरो धीरो दात्त गुणोत्तमः माया मानुषचारित्रो महादेवादि पूजितः सेतु क्रंजित वाराशी सर्वतीरथ मयो हरी शयामांग सुंदर शूरः पीतवासा धनुर्धरः सर्वयज्ञाधिपो यज्वा जरामरण वर्जितः विभीषण प्रतिष्ठाता सर्वावगुणवर्जितः परमात्मा परब्रह्म सचिदानंद विग्रह परंज्योति परंधाम पराकाशः परात्परः परेश पारग पारः सर्वदेवात्मक परः श्रीरामाष्टोत्तरशतम् भवतापनिवारकम् संपत्करम् त्रिसंध्यासु पठताम् भक्तिपूर्वकम् रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः इति श्रीरामाष्टोत्तरनाम स्रोतम्। सभी को सुप्रभात और जय श्री राम। आज हम The 19 Wives of Muhammad Unveiled रिटन बाय तारा मैकार्थर उसका खदीजा का समापन करने की कोशिश करेंगे, खदीजा वाले चैप्टर का। तो हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस किताब से मिली जो हमें नहीं पता थी, ऐसी कई बातें थी इसमें और हमने किसी एक्स मुस्लिम चैनल में भी नहीं सुनी, तो ये नई बातें थी और जिन्होंने पार्ट 1, 2, 3 देखा होगा तो उन्हें ये बातें पता चल गई होंगी। लेकिन जिससे पहले भी हम शुरुआत करें, बैटमैन जी और ऑसम जी आप लोगों को बहुत साधुवाद आने के लिए। और मैं सबसे पहले न्यूज से स्टार्ट करती हूँ, तो आज की न्यूज देख लेते हैं जल्दी जल्दी, तब तक और लोग भी जुड़ जाएंगे।
तो आज की पहली न्यूज है, शौहर ने ब्लेड से काटी नाक, फिर बेटी की हत्या कर खुद भी फांसी पर झूला, दावा कई लोगों से थे बीवी के अवैध संबंध। कानपुर की घटना है। डीसीपी सलमान ताज पाटिल का कहना है कि छोटे शाह जिला पंचायत सदस्य के यहाँ ड्राइवर के रूप में काम कर रहा था। उन्होंने कहा कि ये भी हो सकता है कि बीवी शौहर के बीच झगड़े में बेटी बीच बचाव करने के लिए आई हो, इसलिए उसकी हत्या कर दी हो, ये जांच का विषय है। तो बेटी की हत्या करने के बाद इस आदमी ने आत्महत्या कर ली। उत्तर प्रदेश के कानपुर में अवैध संबंधों के शक में, देखिए शक में, तो ये इस्लाम जो है शक में भी जो है वाइफ को मारने का हुक्म देता है कि आप अगर आपको कोई वेरीफाइड ना हो, केवल शक ही हो, उसी पर आप बेसिस पर मार सकते हो अपनी वाइफ को। तो शक में शौहर ने पहले अपनी बीवी रुखसार की नाक काट दी, उसके बाद अपनी बेटी की गला घोंट कर हत्या करने के बाद खुद फांसी के फंदे पर लटक गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है, वहीं शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। ये कानपुर के हनुमान विहार इलाके की घटना है। यहाँ 38 साल के मृतक छोटे शाह का निकाह रुखसार के संग 14 साल पहले हुआ था। शादी के बाद दोनों के 3 बच्चे हुए, उनमें से सबसे बड़ी बेटी की उम्र 14 साल थी, वहीं एक बेटे की उम्र 11 साल और दूसरे की 7 साल, और छोटे कार शाह जो है वो कार का ड्राइवर था। छोटे शाह अपनी बीवी रुखसार के चरित्र पर शक करता था, उसे लगता था कि उसकी बीवी का कई लोगों के साथ संबंध है। इसको लेकर वह अक्सर बीवी को मना करता था। इस बात पर दोनों में अक्सर विवाद भी होते रहता था। विवाद के कारण रुखसार पिछले 2 सालों, कहीं कहीं 8 महीने की बात कही गई है, से अपने शौहर से अलग रहती थी। कुछ दिनों पहले ही परिजनों ने दोनों के बीच समझौता कराया था। इसके बाद छोटे शाह और रुखसार साथ रहने लगे थे। पुलिस का कहना है कि बुधवार की शाम को छोटे शाह रुखसार से बोलकर गया कि वो रात में वापस नहीं लौटेगा। इसके बाद वो गुरुवार 11 मई को तड़के घर में लौटा। मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि इस दौरान छोटे शाह ने घर में कुछ ऐसा देखा जो अपना आपा खो दिया। इसके बाद पत्नी को जमकर पीटा, फिर ब्लेड से उसकी नाक काट दी। इसके बाद घर के अंदर गया और बेटी की गर्दन दबाकर हत्या कर दी और फिर फांसी के फंदे पर झूल गया। तो इस तरह के ये लोग हैं। दूसरी न्यूज है, बड़ी सुंदर लग रही हो, मन कर रहा है पकड़कर किस कर लूं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की रोशन भाभी ने दर्ज कराया यौन शोषण का केस। बोले असित मोदी फंसा रही है। एक बार असित मोदी ने कहा, रात को तुम्हारा रूम पार्टनर नहीं है तो आ जाओ मेरे रूम में, विस्की पीते हैं। जब लगा कि दाल नहीं गलने वाली तो मुझे कम स्क्रीन स्पेस मिलने लगी। पिछले साल भी असित मोदी को जब मैंने छुट्टी के लिए फोन किया तो उन्होंने मुझसे कहा, रो मत, पास होती तो हग कर लेता, फ्लर्ट करता। ये असद मोती तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जो है, जो एक एक करके शो से एक्टर बाहर हो रहे हैं, और जो रोशन सिंह सोढ़ी की पत्नी रोशन भाभी का किरदार निभाने वाली जेनिफर मिस्त्री बंसीवाल है, उन्होंने शो के निर्माता जो है असित मोदी के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया है। अगली न्यूज है, पटाखे बनाने का लाइसेंस, मतलब पटाखे बनाने का लाइसेंस है लेकिन बना रहे थे बम। अमृतसर में हुए धमाकों में पंजाब पुलिस का खुलासा, गिरफ्तार लोगों के पास 1 किलो विस्फोटक भी मिला। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने गुरुवार को बताया कि गिरफ्तार लोग पंजाब के ही रहने वाले हैं। उनकी पहचान अमरीक सिंह, आजाद वीर सिंह, साहिब सिंह, हरजीत सिंह और धर्मेंद्र सिंह के तौर पर हुई है। ये इन्होंने पंजाब पुलिस ने ये कर दिया, 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पटाखे बनाने का इनको था लेकिन ये लोग बम बना रहे थे, अमरीक सिंह, आजाद वीर सिंह, साहिब सिंह, हरजीत सिंह और धर्मेंद्र सिंह। अगली न्यूज है, सूरत नगर निगम ने बनाया शेल्टर होम, शाहिद मसीद सोसाइटी को दिया चलाने। वाह वाह, शाहिद मसीद सोसाइटी, हिंदुओं को प्रताड़ना, मुस्लिमों पर कृपा, जांच के बाद ब्लैकलिस्टेड। पार्षद केयूर चपटवाला द्वारा की गई शिकायत के अनुसार शेल्टर होम में हिंदुओं को न सिर्फ प्रताड़ित किया जा रहा है बल्कि उनको शेल्टर होम छोड़ जाने के लिए बाध्य भी किया जाता है।
देखिए, ये शेल्टर होम मुसलमान चला रहे हैं और इसमें हिंदुओं को तंग करा जा रहा है और उनको कहा जा रहा है कि ये छोड़ जाएं यहाँ से। सूरत के शेल्टर होम में मिली अनियमितताएं। गुजरात के सूरत में शेल्टर होम का प्रबंध करने वाली ट्रस्ट पर धर्म के आधार पर भेदभाव करने का आरोप लगा है। स्थानीय पार्षद ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है। आरोपों के अनुसार शहर के रामदेर के गोराट इलाके में संचालित शेल्टर होम में रहने वाले हिंदू आश्रितों को परेशान किया जा रहा है, जबकि मुस्लिमों को खास सुविधाएं दी जा रही है। आश्रय गृह सूरत नगर निगम के दायरे में आता है, लेकिन इसे चलाने की जिम्मेदारी शाहिद मसीद मेडिकल सर्वेंट सोसाइटी नाम के ट्रस्ट को दी गई थी। भेदभाव समेत कई अनियमितताओं की वजह से ट्रस्ट को ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है। बीजेपी के पार्षद केयूर चपटवाला ने सूरत के मेयर हेमाली बोघावाला से ट्रस्ट की शिकायत की थी। शिकायत मिलने के बाद मेयर खुद शेल्टर होम का दौरा करने पहुंची। शेल्टर होम में मेयर के अचानक दौरे से हड़कंप मच गया। मेयर द्वारा किए गए निरीक्षण में शेल्टर होम में कई अनियमितताएं पाई गई। मेयर ने जांच के दौरान पाया कि आश्रय गृह परिसर का ठीक से रखरखाव नहीं किया जा रहा। इतना ही नहीं, शेल्टर होम चलाने वाले ट्रस्ट द्वारा बिजली बिलों का भी भुगतान नहीं किया गया है। अगली न्यूज है, तू नाम की मुस्लिम, अपने नाम से अली हटा। सारा अली खान को केदारनाथ में देख फिर भड़के इस्लामी कट्टरपंथी, बोले अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। सारा ने केदारनाथ की फोटो शेयर करते हुए लिखा, पहली बार जब मैं यहाँ आई थी तो मैंने कभी कैमरे का सामना नहीं किया था। आज मैं कैमरे के बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। धन्यवाद केदारनाथ बाबा, आज मैं जो हूं मुझे वो बनाने के लिए, मुझे वो सब देने के लिए धन्यवाद जो मेरे पास है। ये सारा अली खान गई है तो कट्टरपंथी जो है कह रही है नाम में से अपना अली हटा ले। अगली न्यूज है, बम फेंका और सराय में जाकर सो गए। एसजीपीसी वही है ना, श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जारी किया सीसीटीवी फुटेज। गोल्डन टेंपल के पास तीसरे धमाके बाद 5 गिरफ्तार। ये न्यूज हम पढ़ चुके हैं। ये रात के 12:12 पर श्री गुरु रामदास सराय के टॉयलेट से विस्फोटक बाहर फेंका गया था, जिससे जोरदार धमाका हुआ। एसजीपीसी के कर्मचारियों को एक आदमी टॉयलेट में जाता और बाहर निकलता दिखाई पड़ा। सीसीटीवी से ट्रेस करके उसे पकड़ा गया और पुलिस के हवाले कर दिया। इस बीच वो सराय में जाकर लेट चुका था, यानी बम फोड़कर ये जाके चुपचाप सराय में जाके लेट गए थे। इमरान खान को बवासीर है, नंगा नहीं करना है ना ही रेप, बांस सरिया डालने पर रोक। पाकिस्तान सरकार से पीटीआई का एग्रीमेंट। फैक्ट चेक लेटर को लेकर दावा है कि पाकिस्तानी सरकार ने पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान से वादा किया था कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोई नंगा नहीं किया जाएगा, उनके साथ रेप नहीं होगा और उन्हें सरिया बांस आदि से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। अरे मैं क्या बताने वाली थी कि ये जो इतने भी ये है ना, अभी अभी कोई मच्छर आया था मेरे को काट गया है लगता है यहाँ पे। अच्छा तभी मुझे आवाज आ रही थी मच्छर की, पर दिख नहीं रहा था। क्या कह रही थी मैं, हाँ, कि यहाँ पाकिस्तान में जितने भी ये इनके प्रधानमंत्री हुए हैं ना, एक एक को, चाहे वो उस भुट्टो था, भुट्टो की बेटी थी वो भी उसको बुलाया गया, पाकिस्तान आते ही उसे मतलब गोली मार के हत्या कर दी। आसिफ बिलावल को नहीं, भुट्टो को फांसी दे दी थी उससे पहले जो उसका पिता था, और इसके बाद जो नवाज शरीफ था उसके साथ भी इन्होंने बुरा किया। हर किसी को ये गिरफ्तार करते हैं और अब इमरान खान का नंबर आ गया। अगली न्यूज है, हाँ, और इसके बारे में ना इन्होंने एक वीडियो भी वायरल हो रहा था कि ये मर गया इमरान खान, वो भी झूठ था, इमरान खान लंदन में था। अगली न्यूज है, लाल किला पर अटैक, ओ माय गॉड, साधुओं की हत्या। दिल्ली में पकड़े गए आतंकवादियों को मिले टास्क का चार्जशीट से खुलासा। एक हिंदू का गला काटकर विदेशी आका को भेजा था डेमो। ओहो, दोनों सोहेल के संपर्क में थे। सोहेल को साल 2000 में लाल किले पर हुए हमले के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उसे तिहाड़ जेल में बंद किया गया था। उसी जेल में नौशाद भी बंद था, वहीं पर दोनों की मुलाकात हुई थी। साल 2013 में सोहेल रिहा हुआ और पाकिस्तान भाग गया।
वह वहीं रहकर भारत के खिलाफ काम करने लगा। यह है आतंकी नौशाद और जगदीश के निशाने पर थे हिंदुवादी नेता। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस साल जनवरी में जहांगीरपुरी से गिरफ्तार किए गए आतंकी नौशाद और जगजीत सिंह जस्सा उर्फ याकूब, देखो जगजीत सिंह जस्सा है पर इसका नाम याकूब है, ये सारे कन्वर्टेड मुसलमान हैं या इन्होंने मुसलमानों ने सिख नाम रखे हुए हैं। ये जगजीत सिंह जस्सा है, जगजीत सिंह जस्सा पर एक्चुअली में ये याकूब है जो जगजीत सिंह नाम से घूम रहा है, और ये नौशाद है, और इन दोनों को दिल्ली में पकड़ा था। दिल्ली पुलिस ने कहा कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर दोनों आतंकियों ने साधुओं की हत्या और लाल किले पर हमला करने की फिराक में थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी नौशाद और जगजीत को लाल किले पर तैनात जवानों पर फायरिंग करने और पंजाब में बजरंग दल के नेता तथा हरिद्वार में साधुओं की हत्या का टास्क दिया गया था। ISI ने बजरंग दल के नेता की हत्या के लिए दोनों आतंकियों को 2 लाख रुपए भेजे थे। वे हरिद्वार में साधुओं की हत्या कर देश में दंगा फैलाना चाह रहे थे। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 10 मई 2023 को पटियाला हाउस कोर्ट में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत आरोप पत्र दाखिल किया, और आरोप पत्र में कहा गया है कि नौशाद पाकिस्तान में बैठे ISI के हैंडलर और लश्कर के आतंकी सोहेल के संपर्क में था, वहीं जगजीत विदेश में बैठकर गैंगस्टर और खालिस्तान समर्थक आतंकी अर्श डल्ला के संपर्क में था। मोहम्मद सोहेल को साल 2000 में लाल किले पर हुए हमले के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, उसे तिहाड़ जेल में बंद किया गया था, उसी जेल में नौशाद भी बंद था। तो जेलों में तो ये लोग बहुत मीटिंग्स करते हैं कि अब क्या करना है। वहीं दोनों की मुलाकात हुई साल 2013 में, सोहेल रिहा हुआ और पाकिस्तान भाग गया, वहीं रहकर भारत के खिलाफ काम करने लगा। इसके अलावा दोनों आतंकी पाकिस्तान में स्थित आतंकी संगठन हरकत उल अंसार के नजीर भट्ट, नासिर खान, नजीर खान और हिजबुल मुजाहिदीन के नदीम के संपर्क में थे। इन सभी को ISI के निर्देश पर काम करने को कहा जाता था। 56 वर्षीय नौशाद और 29 वर्षीय जगजीत पाकिस्तान द्वारा दिए गए टारगेट किलिंग को अंजाम देने के लिए करीब पहुंच गए थे। नौशाद हरकत उल अंसार का सदस्य है, वह 2 हत्या के मामले में शामिल था, उसमें इसे उम्र कैद की सजा मिल चुकी है। इसके अलावा उसे बम धमाके के मामले में 10 वर्ष की सजा हुई है। वहीं जगजीत सिंह बम बीहा गैंग का सदस्य है, हत्या के मामले में पैरोल जंप भी कर चुका है। ISI ने जब दोनों को ये सौंपा था तो नौशाद और जगजीत ने अपने हैंडलर का भरोसा जीतने के लिए एक हत्या को अंजाम दिया और उसका वीडियो पाकिस्तान भेजा। यानी कि ये लोग जो है ऐसे कामों में सिलेक्ट होने के लिए ये सबसे पहले हत्या का वीडियो बनाकर भेजते हैं, दिखाते हैं, देखो हम एलिजिबल है। जैसे आप पढ़ाई का अपना वो देते हो ना रेज्यूमे नौकरी के लिए, ये लोग अपना कत्ल का वीडियो बनाकर अपने आप के एलिजिबिलिटी का वो देते हैं, क्या बोलते हैं, सबूत। और ISI दोनों राजकुमार उर्फ राजा नाम के हिंदू लड़के का अपहरण करके उसे भलसवा डेयरी ले गए। दोनों ने वहां पर उसका गला रेता और उसके शरीर को 8 टुकड़ों में काटा, उसका वीडियो पाकिस्तान भेजा। राजा के हाथ पर भगवान शिव का टैटू बना हुआ था, इसी के माध्यम से उन्होंने उसे हिंदू होने की पहचान की थी। गिरफ्तारी के बाद इन दोनों के मोबाइल फोन से युवक का सिर कलम करके और उसके शरीर के टुकड़े करने वाला वीडियो मिला था। इसके अलावा विदेश में बैठे हैंडलर को वीडियो भेजने और सिग्नल पर उससे चैट करने का डिटेल भी मिला था। पुलिस के अनुसार हल्द्वानी जेल में बंद रहने के बाद दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए थे। दोनों को पिछले साल अप्रैल मई में पेरोल पर छोड़ा गया था, इसके बाद वे अपने काम में लग गए थे। तो इससे हमने क्या नसीहत ली आप लोगों ने? एक तो पुलिस के लिए मैं समझती हूँ ये नसीहत है कि इनको सॉलिटरी सेल में रखना चाहिए, क्योंकि ये लोग इधर उधर के आतंकवादियों से मिलके अपना गिरोह बढ़ाते हैं जेलों में। तो जेलों में जब भी इनको रखो सोलो सेल में रखो, ये किसका निष्कर्ष निकल सकता है। अगला है पेशे से टीचर इंजीनियर जिम ट्रेनर, असल काम जिहाद फैलाना। MP पुलिस ने दबोचे 16 HUT आतंकी, टेरर पर एक्शन मोड में शिवराज सरकार। सैयद दानिश अली सॉफ्टवेयर इंजीनियर,
खालिद हुसैन टीचर, यासिर खान जिम ट्रेनर, सैयद सामी रिजवी कोचिंग टीचर, महराज अली कंप्यूटर टेक्नीशियन। नाम पेशा अलग अलग, मकसद एक ही, गैर इस्लामी इलाकों में शरिया शासन कायम करना। ये सारे हैं और बड़े पढ़े लिखे हैं और अलग अलग चीज लोगों को पढ़ाते हैं, पर देखो इनका एक ही लक्ष्य है कि जिहाद करना। देश में बढ़ रहे इस्लामी कट्टरवाद पर लगाम लगाने के लिए मध्य प्रदेश की पुलिस चौकस नजर रखे हुए है। कट्टरपंथ और उग्रवाद पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जीरो टॉलरेंस नीति है। इसी के तहत मध्य प्रदेश पुलिस की आतंक निरोधी दस्ते ATS ने हिजब उत तहरीर HUT हिजब उत तहरीर नाम के इस्लामी कट्टरपंथी संगठन पर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। हिजब उत तहरीर नाम का संगठन तहरीके खिलाफत के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश ATS ने कड़ी कार्रवाई करते हुए मंगलवार 10 मई को भोपाल के शाहजहानाबाद, ऐशबाग, लाल घाटी और पिपलानी में रेड मारकर 10 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं छिंदवाड़ा से एक और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से 5 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया है। गिरफ्तार किए गए कट्टरपंथियों के पास से तकनीकी उपकरण, देश विरोधी दस्तावेज, कट्टरपंथी साहित्य एवं अन्य सामग्री बरामद की गई है। मध्य प्रदेश पुलिस ने आरोपितों पर UAPA सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। आगे IATS पूछताछ कर रही है। कट्टरपंथियों में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, टेक्नीशियन, टीचर, व्यवसायी, जिम ट्रेनर, कोचिंग सेंटर संचालक, ऑटो ड्राइवर, दर्जी आदि शामिल हैं। ये सभी आम लोगों के बीच में रहते हुए और अपना काम करते हुए कट्टरपंथी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। भोपाल के शाहजहानाबाद से गिरफ्तार किया गया 29 साल का यासिर खान जिम ट्रेनर है। शहीद नगर से गिरफ्तार 32 साल का सैयद सामी रिजवी कोचिंग में टीचर है। जवाहर कॉलोनी ऐशबाग से गिरफ्तार शाहरुख दर्जी है, जबकि उसी इलाके से गिरफ्तार 29 साल का मिसबाहुल हक मजदूरी करता है। ऐशबाग का ही शाहिद ऑटो चलाता है। भोपाल के ही ऐशबाग का रहने वाला सैयद दानिश अली सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जबकि ऐशबाग का ही 25 वर्षीय महराज अली कंप्यूटर टेक्नीशियन है। भोपाल के लाल घाटी का रहने वाला 40 साल का खालिद हुसैन टीचर और व्यवसायी है। इसके अलावा भोपाल से ही ATS ने वसीम खान और 35 साल के मोहम्मद आलम को गिरफ्तार किया। वहीं छिंदवाड़ा में गिरफ्तार करीम प्राइवेट नौकरी करता था। HUT आतंकी ऐसे करते थे काम। ATS के मुताबिक ये सभी आरोपित गोपनीय रूप से जंगलों में जाकर क्लोज कॉम्बैट ट्रेनिंग कैंप आयोजित करके निशानेबाजी का अभ्यास करते थे। इनमें हैदराबाद से आए हुए इस्लामी कट्टरपंथी इन लोगों को ट्रेनिंग देने का काम करते थे। ये ट्रेनर अपने काम में माहिर है। ट्रेनिंग के अलावा आरोपितों द्वारा गोपनीय रूप से दर्श यानी दीनी सभा का आयोजन करके भड़काऊ तकरीरें दी जाती हैं। इस दौरान लोगों के बीच कट्टरपंथी और जिहादी साहित्य भी बांटे जाते थे। मध्य प्रदेश ATS का कहना है कि आरोपित ऐसे युवकों की पहचान करके अपने साथ शामिल करते थे जो उग्र स्वभाव के हों और अपनी जान देने से भी ना हिचके। सभी आरोपित आपस में बातचीत करने के लिए डार्क वेब के विभिन्न चैनलों का इस्तेमाल करते थे। इनमें रॉकेट चैट, थ्रीमा जैसे ऐप शामिल हैं। इस तरह के कम्युनिकेशन का उपयोग अधिकतर ISIS जैसे आतंकी संगठनों द्वारा किया जाता है। ये अधिक से अधिक युवकों को जोड़कर हिंदुओं के खिलाफ जिहाद की योजना बना रहे थे। ये बड़े शहरों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में धमाके करके लोगों में अपना भय कायम करना चाहते थे। इसके लिए वे कई शहरों को चिन्हित भी कर चुके थे। इसके लिए उन्होंने ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया था। रेकी के बाद इलाके का नक्शा बनाकर घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। संगठन में जो भी सदस्य शामिल किए जाते थे उनसे चंदा जुटाने के साथ साथ अन्य संसाधन बटोरने के लिए कहा जाता था। हिज्ब उत तहरीर क्या है और कहां कहां है? हिज्ब उत तहरीर उर्फ तहरीके खिलाफत इस्लामी कट्टरपंथी संगठन है जो गैर इस्लामी इलाकों में शरिया शासन कायम करने की सोच रखता है। इस संगठन के तार 50 से भी अधिक देशों में फैला हुआ है। इस संगठन की हिंसक गतिविधियों एवं सोच को देखते हुए 16 देश प्रतिबंध लगा चुके हैं। भारत में शरिया शासन स्थापित करने के लिए इस कट्टरपंथी संगठन ने मध्य प्रदेश में अपना आधार तय किया था। इसके जरिए वे अपने कैडरों की भर्ती कर रहे थे। संगठन से जुड़े सदस्यों का उद्देश्य था मुस्लिम युवाओं को अपने
से जोड़ना। इसके लिए वो भारत की वर्तमान शासन प्रणाली को इस्लाम विरोधी बताते थे। इसके बाद वे खिलाफत की बात करते थे। आतंक के खिलाफ एमपी सरकार, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में आतंक करने वालों और कट्टरपंथ की राह पर चलने वालों को बहुत पहले ही सचेत कर दिया था। खरगोन दंगों में जिन कट्टरपंथियों ने पत्थरबाजी की थी, जिन्होंने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था, उन पर कैसी कार्रवाई होगी, शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट कर दिया था। और आज की लास्ट न्यूज, ऐसा लगता है ये तो मेरे साथ हो चुका है। द कैरल स्टोरी देखने के बाद युवती को आए कॉलेज के दिन याद। बोली, मेरा भी ब्रेन वॉश हुआ था, इस्लाम की तरफ लगी थी झुकने। द कैरल स्टोरी देखने के बाद थिएटर से बाहर निकली लड़की को कहते सुना जा सकता है कि कॉलेज टाइम में उसका ब्रेन वॉश हुआ था। लड़की ने बताया कि ये सिर्फ केरल के हालात नहीं है, जहां भी माता पिता अपने बच्चों को धर्म सिखाने में असफल होते हैं, वहां कोई और उनका ब्रेन वॉश करने में सफल हो जाता है। तो ये है इसने अपना ओन अनुभव बताया है। द कैरल स्टोरी को प्रोपेगेंडा बताकर बैन करने की मांग कई राज्यों में वामपंथियों और कट्टरपंथियों द्वारा की जा रही है, लेकिन हकीकत यह है कि इस फिल्म के रिलीज के बाद ऐसी लड़कियां सामने आई हैं जो अपने साथ घटित पुरानी घटनाओं को इसके दृश्यों से जोड़ पा रही हैं और खुलकर बता रही हैं कि कैसे उन्हें भी कभी ना कभी किसी ने एक मजहब की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया। एक वीडियो सामने आई है जिसमें माही त्यागी नाम की युवती कैरल स्टोरी देखने के बाद ओ न्यूज हिंदी के रिपोर्टर को बता रही है कि इस फिल्म में सच्चाई दिखाई गई है और हर लड़की को इसे देखना चाहिए। वीडियो में 3 मिनट 22 सेकंड के स्लॉट के बाद देख सकते हैं कि माही कहती है कि फिल्म कहीं से भी प्रोपेगेंडा नहीं है। जो राज्य में दिक्कत है वो दिक्कत है, उसी को फिल्म में दिखाया गया है, ये प्रोपेगेंडा कैसे हो सकती है। माही कहती है कि फिल्म में बस ये दिखाया गया है कि हम लोग अपने धर्म से वाकिफ नहीं है, इसलिए कोई भी ब्रेन वॉश कर सकता है। आगे वो कहती है कि सच बताऊं तो कॉलेज में मेरा भी बहुत ब्रेन वॉश हुआ और मैं इस्लाम के प्रति थोड़ा सा झुक भी गई थी। मुझे वो सीन देखकर लगा कि हाँ, ये तो वही सीन है जो मेरे साथ भी हुआ था, और मुझे लगा कि सही है, आपको कल्चर के बारे में सिखाया जाना चाहिए कि आप कैसे अपने धार्मिक जड़ों से जुड़े रहें। अगर आप धर्म नहीं सिखाएंगे तो फिर बच्चों को ये सब कोई और सिखा देगा। युवती जोर देकर कहती है कि इस तरह इन्फ्लुएंस करने का काम हर कॉलेज में हो रहा है। लोग अपने अपने मजहब के बारे में बताते हैं, लेकिन जब आपको अपने धर्म का ही नहीं पता तो आप काउंटर कैसे करोगे। उन्होंने कहा कि फिल्म में जिस उम्र में लड़कियों का ब्रेन वॉश होते दिखाया गया है, उस उम्र में ऐसा करना बहुत आसान होता है। कॉलेज में बच्चों के पास धर्म की जानकारी नहीं होती है, ऊपर से हॉस्टल लाइफ में उसे तमाम तरह की चीजें प्रभावित करती हैं। माता पिता से दूर एक आजादी पाकर बच्चे अपने ग्रुप से प्रभावित होते हैं और फिर उनका ब्रेन वॉश आसान हो जाता है। हे बता दें कि द कैरल स्टोरी देखने के बाद थिएटर से बाहर आते दर्शक यही प्रतिक्रिया देते दिख रहे हैं कि ये फिल्म हर लड़की और हर युवा द्वारा देखी जानी चाहिए ताकि इसका जो मूल उद्देश्य है वो पूरा हो सके। फिल्म के माध्यम से ये दिखाना बिल्कुल गलत नहीं है कि हिंदुओं को अपने धर्म का ज्ञान होना चाहिए। माही त्यागी कहती है कि वो दौर चला गया जब लव शव वाली फिल्मों में लोगों का इंटरेस्ट होता था, आज वो समय बदल गया है, लोग हकीकत आधारित कहानियां देखना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है, मैं भी बिल्कुल हकीकत देखना चाहती हूँ। तो बिल्कुल जी, ऑसम। आपका स्वागत है सुशी जी स्ट्रीम में। तो हमने अब तक देखा कि कैसे अरब में जो है बहुत सारे कबीले रहते थे, और मैं आपको बता दूं कि मुझसे लोगों ने कहा था कि मैं जो है मोहम्मद की वाइफ्स के ऊपर एक स्ट्रीम करूं, तो मैंने एक बड़ी मुश्किल से एक ऑथर को लिखकर, तारा मैकआर्थर को लिख के मैंने उनसे एक किताब मंगवाई, और जो 19 वाइव्स ऑफ मोहम्मद अनवेल्ड, और इसमें उनकी 5-6 बीवियों के बारे में बहुत डिटेल में दिया है और हमने बहुत चीजें इसमें सीखी है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि ये किताब है अनवेल्ड 19 वाइव्स ऑफ मोहम्मद रिटन बाय तारा मैकआर्थर, ये नाम भी उनका असली नाम नहीं है क्योंकि ये लोग जो है वो खर दिमाग के जाहिल लोग हैं, और जैसे डेनियल पर्ल का इन्होंने सर तन से जुदा कर दिया था तो इनका कुछ भरोसा नहीं है, इसलिए उन्होंने अपना नाम जो है फेक फिक्टिशियस नाम से रखा है।
मैंने पहले पार्ट में ये बताया था, जस्ट एक छोटा सा रिकैप दे देती हूँ कि पहले पार्ट में मैंने बस ये बताया था कि अरब में कितने सारे जो है कबीले रहते थे, और मक्का जो है वो समुद्र के पास था, और मक्का में जो मंदिर था उसमें 360 देवी की मूर्तियां थी, और जो भी मक्का के मंदिर पर आधिपत्य जमा जमा लेगा वो पूरे मक्का में उसका आधिपत्य हो जाएगा। तो खुजा नाम की जो जाति थी बेडोइन की, वो उसने वहां पर जो है अपना आधिपत्य रखा था, लेकिन बाद में कुरैश कबीले ने उनको डिफीट करके उस पर मक्का में अपना अधिकार जमा लिया था। इसके बाद हमने देखा कि खदीजा जो थी उसके माँ बाप जो थे वो अच्छे नहीं थे। एक तो उसके फादर जो था वो शराबी था, और माँ जो थी उसकी एक ऐसे फॉरवर्ड बेडोइन कबीले से आती थी जहाँ पे स्त्रियां अपना वर खुद चुनती थी, इसलिए उसकी फैमिली कोई बड़ी वो नहीं थी, लेकिन वो व्यवसाय बहुत अच्छा करती थी और वो बहुत स्किल्ड थी। 12-13 साल में उसके पिता खुवालिद ने उसकी शादी एक अमीर आदमी से कर दी थी, और उसके साथ उसके 2 बच्चे हुए। इसके बाद वो आदमी उसको तलाक देना चाहता था, लेकिन उससे पहले वो मर गया। इसके बाद जब 20 साल की हो गई थी खदीजा, तो उसके बाप ने उसकी शादी एक बहुत ही अमीर आदमी से कर दी जिसके चमड़े के कारखाने थे जगह जगह। तो उससे उसका जो फादर मदर का जो बदनामी थी वो सारी मिट गई, और उसने उसके साथ भी बच्चे हुए, तो उसके कुछ बच्चे बचपन में मर भी गए, और इसके बाद वो हस्बैंड उसका मर गया। लेकिन खदीजा तब तक बहुत पावरफुल हो गई थी और उसके पास बहुत बेशुमार दौलत आ गई थी। और मोहम्मद का जो चाचा है वो उसके यहाँ काम करता था नौकर का, तो वो मोहम्मद जो निठल्ला था तो उसने मोहम्मद को वहां पर काम करने के लिए लगाया। उसको कोई चाहिए था जो सामान लेके सीरिया जाए यमन जाए, तो मोहम्मद ने उसको बहुत मुनाफा कमा के दिया 2 बार। तो फिर उसके बाद उसके पास बहुत रिश्ते आए अमीर लोगों से शादी करने के, पर खदीजा जो थी वो खाली 2.5 साल बड़ी थी मोहम्मद से। उसने मोहम्मद को चूज किया क्योंकि मोहम्मद जो था वह उसने उसको अच्छा धन कमा के दिया, तो उसने सोचा ये मेरे लिए काम करेगा तो सही रहेगा, मैं इससे शादी कर लेती हूँ। लेकिन हुआ उल्टा, शादी करने के बाद मोहम्मद जो है वो निश्चिंत हो गया कि भाई अब तो इसकी सारी दौलत भी मेरी है। तो वो कई कई दिनों का खाना लेके खो में चला जाता था। वहां पर उसको सराफेल नाम का एक एक वो दिखता था, क्या बोलते हैं, फरिश्ता। और वो भाग के आया खदीजा के पास, उसने कहा कि देखो मेरे को ऐसे ऐसे एक फरिश्ता दिखा है, मुझे डर लग रहा है। लेकिन खदीजा ने बड़ी राजनीतिक पॉलिटिशियन थी, वो मक्का पर अपना राज करना चाहती थी, तो उसने जो है, और शायद उसके मन में ये भी होगा कि उसको ये विचार अच्छा लगा कि कोई डायरेक्टली अल्लाह से बात करता है, तो उसने ये बात उसके दिमाग में भर दी क्या बोलते हैं मोहम्मद के, कि भाई तुम पैगंबर हो। और फिर इसके बाद जो है वो मोहम्मद और खदीजा रोज रात को सोने से पहले एक मूर्ति थी अल उज्जा की, वो उसकी पूजा करके सोते थे। और इसका जब भी बच्चे का जन्म होता था तो वो एक भेड़ को जो है वो जिबा करता था मोहम्मद, और अल उज्जा जो देवी थी उसको समर्पित करता था, और इसके बाद उसका मांस खाता था। तो एक बार वो एकेश्वरवादी जायद के साथ गया, जो जो एक अल्लाह में विश्वास करता था जायद, और जायद ने उससे कहा कि भाई मैं जो हुबल देवता को मांस आपने दिया है वो मैं नहीं खाऊंगा। ये सुन के जो है उसने भी अपना दिमाग बनाया कि मैं भी एक अल्लाह को मानूंगा। इसके बाद वो इतना तेज हो गया कि खदीजा ने तो उसको खाली नबी बनाया था, लेकिन वो बाद में उसके ऊपर बहुत वो करने लगा, अपना दिखाने लगा। और उसने यहाँ तक कहा कि खदीजा के जो पहले पतियों के साथ बच्चे थे वो सारे जहन्नुम जाएंगे क्योंकि वो उनके पिता काफिर थे, और इस खदीजा के जो अपने बच्चे हैं वो जन्नत जाएंगे, और जो पिछले पति के साथ थे काफिर पति के साथ वो सारे जहन्नुम जाएंगे। तो खदीजा को ये बात सही नहीं लगी, और उसने कहा कि खदीजा को जो एक उसने एक सूप लाके दिया कि ये फरिश्ते ने तुम्हें ऑफर किया है, और कि तुम्हारे लिए एक महल जो है जन्नत में रिजर्व्ड है। और इस तरह से उसने खदीजा से भी बढ़ चढ़ गया, मतलब पहले तो खदीजा ने ही उसे आगे बढ़ाया, लेकिन वो और भी ज्यादा बढ़ गया और उसने अपने आप को अल्लाह के इक्विवेलेंट समझने लगा।
और मोहम्मद ने अपने वहां पर अनुयायियों को जोड़ना शुरू किया। उसका पहला अनुयायी जो था वो अबू बकर था, जो एक एक कपड़ा व्यापारी था। और अबू बकर के अलावा और एक एक नौकर था बिलाल, जो कि गुलाम था, जिसको कि बहुत तंग किया गया था। उसको चट्टानों से बांध कर उसको रखा गया था, और उस पे गरम रेत में, और इस तरह से वो बहुत प्रताड़ित था। तो वो उसका गुलाम बन गया। और तो गुलाम और एक अबू बकर से उसने स्टार्ट किया, और वो लोगों को बोलता था कि तुम जो है इस्लाम में आओ और अल्लाह को मानो, लेकिन कोई भी उसकी बात का जो है सीरियसली नहीं लेता था, उसका मजाक बनाते थे। 13 कितने साल वो रहा मक्का में, और उसने बहुत कोशिश की कि लोगों को कन्वर्ट करे, लेकिन लोग जो थे वो कन्वर्ट नहीं हुए, बल्कि वो उसका मजाक बनाने लगे। और सबसे ज्यादा जो मोहम्मद को नुकसान पहुंचाया वो ये था कि एक आदमी ने उसका कॉलर पकड़ लिया। इसके अलावा मोहम्मद को कभी कोई उत्पीड़ना नहीं दी गई, लेकिन हम मुसलमान हमेशा ये बात का रोना रोते हैं कि मोहम्मद को मक्का से भगाया गया और उसको खूब तंग किया गया। हमने ये भी देखा कि वो पहाड़ों में जाकर उसने अपनी घर कर लिया था, और वहां रोज रात को क्योंकि वो दूसरों के लिए इतना बुरा बुरा कहता था, उनके देवताओं को गालियां देता था कि वो लोग, और इसके बाद वो डर जाता था कि अब ये लोग मुझसे बदला निकालने आएंगे। लेकिन वो जो मूर्ति पूजक थे वो बहुत मोरालिटी में हाई थे, वो कभी इसके साथ उन्होंने बुरा व्यवहार नहीं किया। यही वहां पर रोज रात को अपना बिस्तर में किसी और को लिटा देता था, इस डर से कि कोई उस पर जो है अटैक न करे। और अपने जितने भी रिश्तेदार जो भी इसके इस्लाम में परिवर्तित हो गए थे, इसकी बेटियां वगैरह, उसको इसने एबिसिनिया भेज दिया था। इसने सोचा यहाँ से दूर कर लूंगा, कहीं ये वापस मतलब इस्लाम ना छोड़ दे। इसलिए उसकी जो 4 बेटियां हुई, उसके जो 2 बेटे हुए वो मर गए मोहम्मद के बचपन में ही, और जो 4 बेटियां हुई उसमें से पड़ी बड़ी वाली बेटी जो थी वो थी जैनब। उसकी शादी एक बहुत अमीर परिवार में हुई थी, और बाकी जो दूसरी 2 बेटियां थी वो थी रुकैया और उम्म कुलथम। वो दोनों जो थी उनकी शादी अबू लहब के बेटों से हुई थी, और अबू लहब की बेटी दुर्रा की शादी जो है जायद से हुई थी। लेकिन बाद में जब वो इस्लाम उसने नहीं कबूला, तो इसने उन शादियों को तुड़वा दिया, और उसने तलाक हो गया उसकी दोनों बेटियों का, रुकैया और उम्म कुलथम का। और उम्म कुलथम तो बेचारी, उसकी तो रुखसती भी नहीं हुई थी, ये 9 और 11 साल की थी, उनकी रुखसती भी नहीं हुई थी, तो वो सिंगल ही रही। उसने उम्म कुलथम के लिए कोई वर नहीं ढूंढा। उसको कई लोग बोलते थे कि भाई अपनी बेटी का वर ढूंढो, लेकिन वो कुछ नहीं करता था। और उसने कहा अल्लाह की ऐसी मर्जी है जो भी है। खैर, ये तारा मैकआर्थर लिखती है, लेकिन जहां तक मेरे सोर्सेस हैं, मैंने ये देखा है कि उमर जो उसके नाना के बराबर था उससे उसकी शादी करा दी गई थी। और फातिमा जो थी सबसे छोटी वाली, वो सबसे ज्यादा मोहम्मद की प्यारी थी, क्योंकि उसकी शक्ल जो है वो मोहम्मद से ही मिलती थी। तो हमने ये सारा देखा कि वो सबको बोलता था कि तुम लोगों को जहन्नुम की आग में डाला जाएगा, और तुम जब अगर अल्लाह को नहीं मानोगे तो तुम्हारी औलादे तुम सब जहन्नुम में होंगे। उसका अपना चाचा जो था और उसकी मौसी, उसको उसने कहा कि ये लोग जहन्नुम में जाएंगे और इसके वहां पर आग में जलेंगे। और खदीजा जो थी ना, उसके साथ जब उसने विवाह किया था, हाँ मैंने ये भी बताना चाहती थी कि खदीजा ने जो है अपने पिता को उल्लू बनाकर नशे में करके और मोहम्मद से शादी कर ली थी, क्योंकि मोहम्मद जो था बहुत गरीब था, तो उसने सोचा, और नौकर था उनका, तो वो उसका पिता उससे शादी नहीं करता। लेकिन एनीवेज, अब मैंने आपको खदीजा के सारे एंसेस्ट्रीज के फ्लो चार्ट्स भी दिखा दिए, उसके फर्स्ट हस्बैंड के साथ, उसके सेकंड हस्बैंड असद के साथ, और तीसरा मोहम्मद के साथ, और उसके सारे बच्चों की क्या क्या दशाएं हुई। इसके अलावा जो उसके सौतेले बच्चों के आपस में रिलेशनशिप है, इसके बारे में ज्यादा सूत्र अवेलेबल नहीं है, तो तारा जी ने लिखा नहीं है। इसके बाद मैंने बताया था कि वो जो खदीजा थी वो उसने ना एक कॉन्ट्रैक्ट करवाया था मोहम्मद से। यद्यपि वो गरीब था और वो निठल्ला भी था, लेकिन उसने बड़ी मेहर रखी थी। 20 ऊंटों की मेहर ली थी खदीजा ने शादी में, और उसने एक शर्त रखी थी कि उसके जीवन के चलते मोहम्मद
और शादियां नहीं कर सकता। तो ये आप सोचते होंगे ना, तो पहली बात तो खदीजा उससे खाली 2.5 साल बड़ी थी, दूसरी बात उसने शर्त रखवाई थी कि वो उसके चलते हुए और बीवियां नहीं रखेगा, इसलिए भी वो वफादार था। लेकिन मोहम्मद आखिर मोहम्मद था। उसने एक दिन खदीजा को ये भी हमने मैंने आपको बताया था कि उसने कहा कि मैंने सपने में देखा है कि मेरी बीवियां हैं जो जन्नत में मेरा वेट कर रही हैं। तो उसने खदीजा ने बोला, क्या आपकी कोई बीवियां थी मेरे से पहले जो मर गई थी? तो उसने कहा नहीं, पर फिर भी अल्लाह ने उसके लिए रिजर्व करी है, क्योंकि वो इतना चढ़ गया था कि वो अपने आप को अल्लाह जितना समझने लगा था। खदीजा ने उसको चढ़ाया, लेकिन वो खदीजा को ही फिर नीचा दिखाने लगा था। ये कह के कि उसकी बीवियां जो हैं वो जन्नत में ऑलरेडी हैं, और ये कि उसके जो बच्चे काफिर पतियों के साथ, पिछले पिछले वाले पतियों के साथ हुए थे काफिर पतियों से, वो सारे जहन्नुम जाएंगे, जो बात खदीजा को नहीं। और हमने ये भी देखा कि एक दिन खदीजा ने जब साराफेल, जब उसको आध्यात्मिक, वो सोचता था ये आध्यात्मिक मुझे दिखती हैं चीजें, जबकि वो उसका वो बीमार था, लेकिन उस इस किताब में यही लिखा है कि उसको आध्यात्मिक जब साराफेल नहीं दिखा, तो उसने एक दिन खदीजा से कहा कि वो साराफेल नहीं आया, साराफेल नहीं आया। तो खदीजा ने खींच के उससे कहा कि तुम्हारा अल्लाह तुमसे नाराज है। इसके बाद मोहम्मद ने कई बार कोशिश की कि वो सुसाइड कर ले, लेकिन वो कहने लगा, बहाना बनाने लगा कि देखो साराफेल मुझे आके बचा लेता है। इसके कई सालों बाद जो है वो बाइबल के लोगों ने कहा कि उनका तो कोई मूसा को फरिश्ता दिखाई नहीं था साराफेल, वो तो जिब्राइल था। तो बाद में इन्होंने साराफेल का नाम चेंज करके जिब्राइल कर दिया। तो जो साराफेल था वो फिर बदल गया, बाद में फरिश्ता अपने आप से जिब्राइल हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद हमने देखा कि बहुत सारी, और उसकी बेटियों का हमने देखा कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे वो हुआ, वो कहाँ कहाँ चली गई, अबिसिनिया वगैरह चली गई। और कहाँ तक हमने पढ़ लिया था? हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने देखी थी कि एक एक तो मोहम्मद का चाचा हमजा और दूसरा उमर इब्न अल खत्ताब, ये दोनों बहुत ही मजबूत किस्म के लोग थे जो इस्लाम में परिवर्तित हो गए, जिसकी वजह से इसके पास पावर आ गई। तो इसके पास सबसे पहले मोहम्मद के पास इसी वजह से पावर आई थी, इन दो लोगों की वजह से। तो इसके बाद जो है मक्का वासियों ने सोचा कि इनके साथ कुछ करना चाहिए, वरना ये पावरफुल होता चला जाएगा, क्योंकि इसने दो बड़े पावरफुल लोगों को इस्लाम में परिवर्तित कर दिया था। हमने एक और इम्पोर्टेंट बात देखी थी कि एक डकैत कम्युनिटी थी जो डाकू थी, और वो कम्युनिटी का नाम था, क्या नाम था उसका, खुजर, क्या नाम, मेरे को तो नाम भूल जाता है एकदम। हाँ, और मैंने ये भी आपको बताया था कि जो खदीजा जो थी ना, वो इन लोगों को सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि ये चट्टानों के साथ वहां पर रहते थे और ऊंट पे खाना आता था इन लोगों के लिए। अच्छा, वो जो है, मैं एक एक सेकंड देखूं वो कौन सी कबीला था जो जो कि डकैत कबीला था जो इस्लाम में परिवर्तित हो गया पूरा। एक कबीला था, हाँ
मोहम्मद के पास ना 200 लोग जमा हो गए थे, उस कबीले के सारे लोग जो है इस्लाम में परिवर्तित हो गए थे। मुझे वो नाम मिल नहीं रहा और पीछे जाना पड़ेगा देखने के लिए। मेरे को उसको ना हाईलाइट कर देना चाहिए था। और इसने वहां पर ये भी कहा कि तुम्हें जन्नत में ऐसी वो वुमेन मिलेंगी और उनके वो होंगे उनके स्तन ऐसे होंगे, वैसे होंगे, उनकी आंखें ऐसी होंगी, इस तरह से उसने काफी वो किया था। बहुत पहले मैंने बताया था शायद। हाँ, 9 साल की वो मैंने बताई थी कि उसके साथ बुरा व्यवहार किया मुसलमान। पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने कोई बता सकता है मैंने क्या बताया था? हाँ, मैंने ये भी बताया था कि खदीजा ने जो है एक उसकी रिश्तेदार थी, उस वो गुलामी की उसमें आ गई थी उसकी और उसकी बेटी पर, उसने पैसे नहीं दिए खदीजा ने उनको, उनको फ्री करने के लिए, पता नहीं क्यों। अल नहदिया जो थी उसकी फिरौती दे सकती थी पर उसने नहीं दी। हाँ, और ये लोग दासों के प्रति बहुत क्रूर होते थे। बिलाल का मैंने बताया, वो वरका जो है वो मर गया था, तो ये नहीं कह सकते कि वरका जो था वो नौफल बिन वरका जो था वो क्रिश्चियन था। अबू तालिब कभी भी मुसलमान नहीं बना। तो इसने अपने बहुत बहुत लोगों के लिए, रिश्तेदारों के लिए बोला कि वो तो जहन्नुम में है, वो तो जहन्नुम में है, जबकि उन लोगों ने इसको खूब प्यार किया था, इसके चाचा ने पूरी उम्र। हाँ, और किनाना जनजाति थी वहां पर, खुज हिलाल और खुजा जनजातियां थी। खैर, अब हम आगे चलते हैं, जब मुझे याद आएगा तो मैं बता दूंगी। तो हम यहाँ पर थे कि ये लोग चट्टानों की तरफ रहने लग गए थे और वहां पर एक ही ऊंट के जाने का रास्ता था। तो वहां पर खाना से लदा वहां ऊंट आता था और खदीजा ने अपना, जब तक उसके पास एक एक सिक्का खत्म नहीं हो गया, वो उसने ये करा, उस उन लोगों को इकोनॉमिकली सपोर्ट किया खदीजा ने। अब पढ़ते हैं द सटैनिक वर्सेस 619 620। 3 साल बाद खदीजा का पैसा खत्म हो गया क्योंकि ऑब्वियसली उसके उसका लोगों ने बहिष्कार कर दिया था खदीजा का, क्योंकि वो ये लोग देवी देवताओं का मजाक उड़ाते थे, तो उन लोगों ने इनका बहिष्कार कर दिया। तो अब खदीजा का व्यापार तो चलता नहीं था, कोई उससे नहीं खरीदेगा, लेकिन और वो इन लोगों को सपोर्ट कर रही थी इकोनॉमिकली, तो धीरे धीरे करके उसका सारा पैसा 3 साल में खत्म हो गया। चाहे बाकी सभी का पैसा खत्म हो गया हो या फिर कुरेश तस्करों को रोकने में अधिक कुशल हो गया हो, नाकाबंदी आखिरकार हाशिम कबीले को खुर भूखा रखने के अपने मूल उद्देश्य में सफल रही। मक्का में लोग भूखे जो है बच्चों के कंठ से उठने वाली चीखें सुन सकते थे। ऐसा कहा जाता है कि कुरैश में कुछ इस बात पर खुश हुए जबकि अन्य को खेद हुआ। मोहम्मद जानता था कि वो अपने कबीले को अनिश्चित काल के लिए भूखा नहीं छोड़ सकता, इसलिए उसने बाहर निकालने की साजिश रची। अब मोहम्मद को समझ में आ गया था कि अब लोग कन्वर्ट हो नहीं रहे हैं बल्कि वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं, और साथ में वो कोई काम कर खदीजा के पैसों पर ये लोग 3 साल तक खाना खाते रहे। अब कहाँ से आएंगे पैसे? जब तुम कोई काम ही नहीं करोगे तो पैसे कहाँ से आएंगे? और आपको याद होगा कि
अब तक उसके गिरोह में 200 लोग थे, और वो उसमें से बहुत बड़ा कबीला तो उन लोगों का था जो कि डकैत थे, और जो लूट मार करके अपना जो है काम चलाते थे, वो सब इस्लाम में परिवर्तित हो गए थे। तो वर्ष के पवित्र काल में, यानी 11वें 12वें और पहले महीने अरबों में जो है हमेशा एक युद्ध विराम होता था, मतलब रमजान के महीनों में ये लोग कभी भी युद्ध नहीं करते थे। इस अवधि में सभी प्रकार के युद्धों की मनाही थी। पवित्र महीनों के दौरान हाशिम बेतरतीब ढंग से हमला किए जाने से सुरक्षित था। हालांकि बहिष्कार के कारण वे अभी भी खुले बाजार से भोजन नहीं खरीद सकते थे, वे खड्ड छोड़ सकते थे और अपने ब्लैक मार्केट आपूर्तिकर्ताओं के साथ स्टॉक करने का प्रयास कर सकते थे। ये शायद 619 के पवित्र काल में था, जो उस वर्ष गर्मियों में पड़ा था, कि वह भीड़ को एक नई भविष्यवाणी की घोषणा करने के लिए काबा गया था। तो यहाँ तक कि ये देखो कि ये लोग जो कहते हैं ना कि मोहम्मद के साथ बड़ा बुरा हुआ, उसके साथ तो कुछ सबसे मैक्सिमम बुरा मैंने जैसे बताया उसके साथ कि किसी ने उसका कॉलर पकड़ा था, इसके अलावा उसके साथ कभी कोई उत्पीड़न नहीं हुआ। लेकिन मुसलमान ऐसा हमेशा रोना रोते हैं कि बहुत उनके साथ उत्पीड़न हुआ, ये तो आपको इनकी टेंडेंसी पता ही है विक्टिम विक्टिम कार्ड खेलने की। तो इस मोहम्मद ने जब इसके पास कुछ नहीं रहा तो इसने सोचा यहां से निकलना चाहिए, मक्का से। तो ये खुद ही इसका प्लान था मक्का जिसे निकलने का। और ये भी देखो कि ये लोग रमजान के महीने में काबा भी गए, मक्का में है ना काबा। तो अब ये अगर इसके लोग दुश्मन होते तो ये जीवित कैसे था, लोग ने इसे मार क्यों नहीं दिया? ये काबा भी जा रहा है, सब जगह फिर रहा है, अगर इसकी मौत को इतना, इसकी जान को इतना खतरा था तो ये हर जगह कैसे घूम रहा था? तो क्या तुमने अल्लात और अल-उज़ा और मनात दूसरे के बारे में सोचा है? तो मूर्ति पूजक इस बात से बहुत खुश थे कि मोहम्मद ने अल्लाह की बेटियों की पूजा को मान्यता देने का फैसला किया। तो इसने कह दिया मोहम्मद ने कि मैं इनको भी मानता हूँ, अल-उज़ा अल्लात मनात। वैसे भी मैंने आपको बताया था कि खदीजा और मोहम्मद रोज रात को अल-उज़ा को पूछ के ही सोते थे। जब मोहम्मद ने अपने सस्वर पाठ के अंत में सजदा किया तो सभी मूर्ति पूजकों ने मुसलमानों के साथ सजदा किया, एक बुजुर्ग को छोड़कर जो पृथ्वी पर झुकने के लिए बहुत कठोर था, इसलिए उसने उसके बजाय अपने माथे पर एक प्रतीकात्मक मुट्ठी मिट्टी रगड़ दी। इस भावना में इस समय मुसलमानों में से किसी ने भी नहीं ये देखा कि कैसे नया रहस्योद्घाटन उनके सख्त एकेश्वरवाद के साथ असंगत था। उनका मानना था कि जो कुछ उनके नबी उनके लिए उनके रब की ओर से लाए हैं वो सच्चा था, उन्हें किसी गलती या व्यर्थ इच्छा या चूक का संदेह नहीं था। तो देखिए, अब मोहम्मद ने भी उन मूर्तियों के सामने सजदा किया और सारे मुसलमानों ने भी। तो अगर मोहम्मद एक अल्लाह को मानने वाला था तो फिर उसने ऐसा कैसे किया? पर मुसलमान इतने अंधभक्त हैं, वो कहते हैं कि हमारा नबी जो कहेगा वही सच्चा है, चाहे वो मूर्तियों के आगे भी सजदा कर रहा है तब भी। पूजा के इस सार्वभौमिक कार्य के बाद कई मूर्ति पूजक हाशिम कबीले के खिलाफ बहिष्कार को रद्द करना चाहते थे। उनमें से 5 ने एक गठबंधन बनाया, काबा में अपने सहयोगियों को इकट्ठा किया और भाषण दिए। मक्का के नागरिकों, क्या हम खाने और पहनने के लिए हैं? अच्छा, अरबी शब्द मनत तो पता है ना आपको, एक देवी है जो खुजा जनजाति द्वारा पूजनीय थी, और जिसमें मदीना में इसकी खजराज और औस शाखाएं और कुदायत में मुस्तलिक कबीले शामिल थे। और अरबी शब्द घरानीक जो है उसका शाब्दिक अर्थ है सारस, लेकिन संदर्भ किसी प्रकार के रूपक अर्थ का सुझाव देता है, जैसे उड़ने वाली परी या डेमी गॉड। अच्छा, एनीवेज, तो हाशिम कबीले के नाश होने पर हम खुद को खरीदने या बेचने में असमर्थ हैं। देवताओं की कसम, मैं तब तक नहीं बैठूंगा जब तक कि बहिष्कार करने वाले इस दुष्ट दस्तावेज को फाड़ नहीं दिया जाता। फिर कुरैश ने बहिष्कार को पलटने के लिए मतदान किया और अनुबंध को फाड़ दिया। हाशिम खड्ड से उभरा और खदीजा मक्का में अपने घर लौट आई।
तो जब इन लोगों ने सजदा कर दिया और मुसलमानों ने, इन सारे मूर्ति पूजक खुश हो गए, भाई चलो मोहम्मद भी इन मूर्तियों को मान रहा है। तो फिर जो बहिष्कार करने का इन लोगों ने पहले सोचा था ना कि भाई ये मोहम्मद और इसके साथ इनके लोगों का हम बहिष्कार करेंगे। देखो अच्छे लोग जो होते हैं वो लड़ाई नहीं करते, वो बहिष्कार कर लेते हैं, मतलब बॉयकॉट। तो इन्होंने अपने बॉयकॉट का जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर था वो फाड़ के फेंक दिया। तो फिर ये सारे लोग जो हैं वो अपने अपने घरों को वापस लौट आए, खदीजा भी अपने घर वापस आ गई। तो पर एक समस्या थी, इस्लाम का एक एक अल्लाह वाले एकेश्वरवादी मूल से समझौता किया गया था। मोहम्मद ने अनिवार्य रूप से कहा था कि इस्लाम बुत परस्ती के समान ही है। इस मामले में उनके पास मक्का के लिए कोई महान संदेश नहीं था और वो विशेष रूप से कुछ भविष्यवाणी भी नहीं कर रहा था, यह निश्चित रूप से उनका वास्तविक मिशन नहीं था। जैसे ही हाशिम अपने भोजन की आपूर्ति के लिए मतलब सुरक्षित थे, अनुमोदित मध्यस्थों की भविष्यवाणी ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया और इसलिए मोहम्मद ने इसे वापस ले लिया। यानी कि अब उसको लगा कि भाई ये तो देवियों की पूजा होगी तो भाई उसकी वैल्यू कम हो जाएगी मोहम्मद की। तो उसने तुरंत फिर बाद में चेंज हो गया मोहम्मद और उसने कहा, अपने शब्द वापस ले लिए। उन्होंने दावा किया कि शैतान ने मेरी जुबान पर शब्द डाल दिया था और गैब्रियल ने यानी जिब्राइल ने उन्हें इन लोगों को पढ़ने के लिए कुछ ऐसा पढ़ने के लिए फटकार लगाई जो मैंने मतलब कि मोहम्मद ने कहा कि भाई जो शैतान है उसने ये शब्द उसके अंदर डाल दिए थे कि भाई देवियों को मान लो, और बाद में जिब्राइल ने जो है वो जो है उसको डांट लगाई थी मोहम्मद को कि भाई मैं तो ये अल्लाह से लाया ही नहीं था। तो मोहम्मद ने अपनी गलती से खुद को बहुत दुखी घोषित करते हुए स्वीकार किया कि भविष्यवाणी को इसके विपरीत कहना चाहिए था। सही संस्करण था, क्या तुमने अल्लात और अल उज्जा और अल मनत को के बारे में सोचा है? क्या तुम्हारे नर और उसकी स्त्रियां हैं? ये वास्तव में एक अनुचित विभाजन था। आधुनिक कुरान में इस आयत को इस तरह पढ़ा गया है, यानी अल्लाह ने मूर्ति पूजक देवी देवताओं का जिक्र उनका उपहास उड़ाने के लिए किया था, क्योंकि अल्लाह के केवल बेटियां ही क्यों होंगी जबकि इंसानों के ही बेटे हो सकते हैं। मतलब मोहम्मद ने खुद ही कहा था, भाई तुम अपने लिए तो बेटों के लिए सोचते हो और अल्लाह को बेटियां दे दी। तो मुसलमान परेशान नहीं थे, उन्होंने मोहम्मद की गलती को स्वीकारोक्ति को स्वीकार कर लिया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो अपने लोगों के कल्याण के लिए चिंतित थे और उन्हें आकर्षित करने के तरीके के लिए तरस रहे थे अल्लाह के लिए। मतलब कि उसने बहाना बना दिया, मुसलमान तो बहाने में है ही तेज। उन्होंने कह दिया भाई पहले मोहम्मद ने इसलिए कह दिया था कि देवी देवताओं की पूजा कर लो क्योंकि वो मतलब सबके साथ पीसफुल रहना चाहता था, अल्लाह का मतलब सबके साथ अच्छा मिलके रहना चाहता था, लोगों के कल्याण करना चाहता था। लेकिन ये कुरैश पर बहुत कठिन साबित हुआ, मतलब मूर्ति पूजकों के लिए। तो खदीजा बिन्त खुवैलिद पूरे प्रकरण ने मोहम्मद के भविष्यवाणी कार्यालय के बारे में गंभीर प्रश्न उठाए। यदि मोहम्मद ने स्वीकार किया कि शैतान उन्हें एक झूठी भविष्यवाणी करने के लिए धोखा दे सकता है, तो उन्हें एक ही गलती को एक से अधिक बार क्यों नहीं करना चाहिए? मतलब कि लोग ये कहने लगे कि भाई कुछ लोग ये कहने लगे कि भाई मोहम्मद ने एक बार जो गलती से बोल दिया कि भाई शैतान ने डाल दिया है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि शैतान ने और चीजें नहीं डाली है उसके दिमाग में? उनका भी सोचना सही था। तो पूरे प्रकरण तो अब वो कैसे अपने किसी रहस्योद्घाटन को अल्लाह के वास्तविक शब्द माने जाने की उम्मीद कर सकता है? यह संदेहास्पद लग रहा था, जैसे उसने पूरे क्रम को पूरी तरह मनगढ़ंत कर दिया था ताकि कुरैश बहिष्कार को रद्द करने के लिए तैयार हो जाए। यानी ये सब झूठ मोहम्मद ने इसलिए गढ़ा था ताकि कुरैश जो है, जो इन्होंने एक संगठन कर लिया था ना सब लोगों के साथ कि भाई इन लोगों का बहिष्कार करना है, और चूंकि ये लोग तो ट्रेड का काम करते थे तो इनका सामान ही नहीं बिकेगा तो फिर ये खाएंगे कहाँ से। तो ये बहिष्कार का पेपर रद्द करवाने के लिए मोहम्मद ने उस समय ये चाल चल ली, पर ये हमेशा के लिए नहीं थी, ये उस टाइम के लिए थी। तो मक्का के
मूर्ति पूजकों ने ठगा हुआ महसूस किया। भाई उनके साथ तो इसने बड़ा बिट्रे किया। मौका आने पर उन लोगों ने, बेचारों ने अपना बॉयकॉट का एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, इसने वो भी फड़वा दिया और बाद में पलट गया अपनी बात से। तो उन्होंने सड़कों पर अनुमोदित मध्यस्थों के बारे में शैतानी शब्दों को अंतहीन रूप से पढ़कर मोहम्मद का मजाक उड़ाया और वे मुसलमानों और प्रेरितों के अनुयायियों के प्रति अधिक हिंसक रूप से शत्रुतापूर्ण हो गए। अब आते हैं खदीजा की मृत्यु पर 620 में। हम नहीं जानते कि खदीजा ने व्यवहारिक आवश्यकता के रूप में मोहम्मद के धर्मशास्त्रीय समझौते का समर्थन किया था या फिर इसने इसे निराश किया क्योंकि वो देवी देवताओं के बारे में बहुत संदेह करती थी। ये स्पष्ट नहीं है कि खदीजा ने अभी भी मोहम्मद पर कितना प्रभाव बनाए रखा। उसका पैसा खर्च हो गया, उसकी जवानी फीकी पड़ गई थी और मोहम्मद अब पैगंबर के रूप में स्थापित हो गए थे जिनके शिष्य कभी भी उनके वचन पर संदेह नहीं करेंगे, चाहे उन्होंने उनके विश्वास का परीक्षण क्यों न किया हो। हमारे पास ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि खदीजा अगर अधिक समय तक जीवित रहती तो इस्लाम को क्या शेप देना जारी रखती। जैसा कि था, हाशिम के मक्का लौटने के बाद खदीजा केवल कुछ ही महीनों के लिए जीवित रही। वो अपनी बेटी रुकैया को एबिसिनिया से लौटने और अपने नए पोते अब्दुल्ला से मिलने के लिए जीवित रही, लेकिन उनका पुनर्मिलन छोटा था। ये सुझाव दिया गया है कि खाड़ी देश में आधे भूखे डेरा डालने की कठिनाइयों ने खदीजा के स्वास्थ्य को तोड़ दिया था। जबकि यह प्रशंसनीय है, यह सबसे पुरानी परंपराओं में सीधे तौर पर नहीं कहा गया है। अपनी अंतिम बीमारी में मोहम्मद ने उसे ये याद दिलाते हुए दिलासा दिया कि वो जन्नत में अपने गहनों से सजे महल में जा रही है, इसलिए उसे अपनी दिव्य सहपत्नियों को अपनी शुभकामनाएं देनी चाहिए। कई पत्नियां रखने का विषय उसके साथ खिलवाड़ करता प्रतीत होता है। तो देखो, मरते मरते भी इस मोहम्मद ने उसको ये कह दिया कि हाँ भाई, तुम तो ऊपर जा रही हो जन्नत में, तो तुम्हें तो अपना महल मिल जाएगा, वो गहनों से सजा होगा, तुम्हारे जो बच्चे हैं हम लोगों के वो भी वहां होंगे, लेकिन तुम में अपनी अदर वाइफ्स को भी जरूर मिलना। यानी कि मोहम्मद उसको तंग कर रहा था इस तरह मेंटली। अब खदीजा के साथ अपने अंतिम क्षणों में भी मन खिन्न हो गया उसका। 22 अप्रैल 620 को खदीजा की मृत्यु हो गई और उन्हें मक्का के पास माउंट हाजून कब्रिस्तान में दफनाया गया। किंवदंती के अनुसार मोहम्मद के पास कफन खरीदने के लिए घर में पर्याप्त नकदी नहीं थी और इसलिए उन्हें उसे अपने लबादे में लपेटना पड़ा। मोहम्मद खदीजा के बारे में इतने दुखी थे कि लोग उनके लिए डरते थे। अपने शेष जीवन के लिए उन्होंने गर्म जोशी से और अक्सर उनके बारे में बात की और कभी कभी उनकी अनुपस्थिति पर दुख से अभिभूत हो गए। वो कहते थे, खदीजा मुझ पर विश्वास करती थी जब उन्होंने अविश्वास किया, उसने मुझे सच्चा कहा जब उन्होंने मुझे झूठा कहा, उसने मुझे वित्त पोषित किया जब किसी और ने मेरा समर्थन नहीं किया। वो अकेली महिला है जिससे अल्लाह ने मुझे एक बेटा दिया और अल्लाह ने खुद मेरे दिल में उसके लिए प्यार का पोषण किया। अब क्वेश्चन ये आता है कि मोहम्मद ने क्यों शादी की खदीजा से। अच्छा, मुसलमान तो बहुत बहुत झूठ बोलते हैं कि वो 40 साल की थी और ये वो, पर आपको क्या लगता है कि मोहम्मद ने खदीजा से क्यों शादी करी? तो तारा मैकार्थर लिखती है कि कि अगर आप ये बात मुसलमानों से पूछोगे कि भाई मोहम्मद ने क्यों शादी करी खदीजा से, तो वो क्या आंसर करेंगे कि आधुनिक मुसलमान अक्सर कहते हैं कि मोहम्मद ने अपनी कई पत्नियों से शादी की क्योंकि वो गरीब विधवाएं थीं जिन्हें अच्छे घरों की जरूरत थी या क्योंकि उन्होंने अपने राजनीतिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने वाले आदिवासी गठबंधन प्रदान किए। स्पष्ट रूप से उनका मतलब खदीजा पर इस सामान्य कथन को लागू करना नहीं है। हर कोई जानता है कि वो एक गरीब विधवा नहीं बल्कि एक अमीर महिला थी और मोहम्मद ने अपने भविष्य के राजनीतिक भाग्य के बारे में कोई भी दृष्टि होने से बहुत पहले उससे शादी कर ली थी। तो मतलब जो ये मुसलमान एक बड़ा एक्सक्यूज देते हैं ना कि भाई वो तो गरीब विधवाओं से शादी करता था उनको रीस्टैब्लिश करने के लिए, तो खदीजा तो थी नहीं गरीब, खदीजा तो
खदीजा तो बहुत अमीर थी, और रही बात की वो बड़ी औरत थी, तो वो भी झूठ है क्योंकि केवल 2.5 साल का डिफरेंस था दोनों के बीच में। तो फिर भी हम ये सवाल उठा सकते हैं, तो फिर उसने क्यों करी शादी? खदीजा के कारण। अति समृद्ध खदीजा ने कभी ये नहीं बताया कि वो गरीब मोहम्मद से शादी क्यों करना चाहती थी, लेकिन ये कई स्तरों पर समझ में आया। शुरू करने के लिए उसने शायद अपनी माँ के कबीले के सबक को पहचान लिया होगा कि निम्न सामाजिक स्तर के व्यक्ति से शादी करने से उसकी स्वतंत्रता सुरक्षित रहेगी, क्योंकि अगर आप बहुत ऐसे आदमी से कर लो तो वो आपके ऊपर रूल करने लगता है। ये तो उसका नौकर था, तो ये उसके अंडर में रहेगा, खदीजा ने ऐसा सोचा। शायद वो मोहम्मद की सेवाओं को अपने व्यवसाय के लिए, यही मैं तो यही समझती हूँ कि वो एक्चुअली में उसने 2 बार उसको पैसा कमा के दिया, तो खदीजा ने सोचा तो इसको हस्बैंड बना लेती हूँ तो ये मेरे लिए पैसा कमा के देगा। जैसे कि मान लो आप किसी सफाई कर्मचारी से, मैंने किसी से एक बार बोला कि हम लोगों के, तो मतलब जो हम लोग यहाँ, मैं अब किताब नहीं पढ़ रही, अपनी बात बता रही हूँ, कि यहाँ पर जो है कोई किसी के मतलब घर खराब हो जाता है, तो अगर वो मेड सर्विसेज बुलाए, मौली मेड सर्विसेज, ऐसे मेड सर्विसेज हैं, उनके चार्जेस काफी हाई होते हैं, तो ये लोग आते हैं अपने कारों में साफ करके घर जाते हैं। जिन घरों में हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग होते हैं ना, उनके पास टाइम नहीं होता घर साफ करने का, और ये लोग बड़े सफाई से रहते हैं, स्पेशली जो वाइट्स हैं, तो ये लोग लगा लेते हैं इनकी सर्विसेज, मौली मेड ये वो। तो क्या कहने वाली थी, असली बात भूल गई। हाँ, तो एक बार मैंने किसी का घर था बड़ा गंदा सा, तो मैंने उसको सजेस्ट किया कि आप ना क्लीनर को, उस क्लीनर से शादी कर लो, क्योंकि तो आपका घर साफ रहेगा। तो उसने कहा कि क्लीनर, क्योंकि वो इतने अमीर नहीं थे कि क्लीनर को हायर करते, तो वो सिंगल था लड़का, तो मैंने कहा तुम ना क्लीनर से शादी कर लो। तो उसने मुझे कहा कि जब शादी हो जाती है फिर वो नहीं काम करते मतलब कि जब तक नहीं है शादी फिर भी कर देंगे, शादी होने के बाद नहीं करेंगे। तो यही हुआ ना उसके साथ। खदीजा ने सोचा भाई ये मेरे व्यापार में मेरे को सहायता देगा, लेकिन वो उसने शादी होते ही व्यापार करना छोड़ दिया, बल्कि खाना कई कई दिन का लेके गुफा में सपने देखने चला जाता था, यानी सोता रहता था। सोने वाला व्यक्ति तो सपने देखता है। तो शायद वो मोहम्मद की सेवाओं को अपने व्यवसाय के लिए स्थायी रूप से सुरक्षित करना चाहती थी। शायद वो अकेली थी और पुनर्विवाह करने के लिए तैयार थी। शायद उसे उसकी बुद्धिमत्ता पूर्ण बातचीत में मजा आया, या शायद उसने उसे शारीरिक रूप से आकर्षक पाया। अब शारीरिक रूप से आकर्षक पाया, ये तारा मैकआर्थर नहीं जानती है कि वो मोटा और बौना था मोहम्मद, तो मैं इस बात को बिलीव नहीं करती कि वो शारीरिक रूप से वो था, और ना ही ये बात बिलीव करती हूँ कि वो बड़ा यंग था, वो बुढ़ी थी, वो तो 2.5 साल का ही डिफरेंस था। तो केवल यही एक कारण था कि व्यवसाय में उसने उसको बहुत बेनिफिट ला के दिया था, मॉनेटरी बेनिफिट, जिसकी वजह से उसने सोचा कि ये सही रहेगा, ये मेरे बिजनेस को अच्छा चला लेगा। लेकिन उसने ये बात सोची ही नहीं कि भाई ये जो है मेरा। और दूसरी ये भी बात कि वो एक बड़ी, उसकी माँ एक फॉरवर्ड कबीले से आती थी, तो उसने सोचा कि ये दब के रहेगा मुझसे। ये 2 बातें ही मुझे सही लग रही हैं। खैर, देखते हैं आगे तारा जी ने क्या लिखा है। कि ये कहना सुरक्षित है कि किसी स्तर पर उसने उससे प्यार के लिए शादी की। मोहम्मद खदीजा से शादी क्यों करना चाहता था, ये अधिक विवादास्पद है। सिद्धांत पहला, अब तारा ने अपनी थ्योरीज लगाई है। पहली बात कि मोहम्मद ने खदीजा के चरित्र की प्रशंसा की, ये लिखी हुई है प्रशंसा कि मोहम्मद ने क्या कहा खदीजा के बारे में। मुसलमानों ने इस बात पर जोर दिया है कि कैसे खदीजा एक बहुत बड़ी महिला थी, और इसलिए मोहम्मद उसके शारीरिक आकर्षण के बजाय उसके चरित्र के लिए उससे शादी करने के लिए महान और उच्च विचार वाले रहे होंगे। प्यारे पवित्र पैगंबर ने 15 साल की विधवा के साथ अपनी पहली शादी करना पसंद किया, दिखाता है कि कैसे प्यारे पवित्र पैगंबर के पास किसी भी चीज से अधिक बड़प्पन और चरित्र का मूल था। पंद्रह साल की विधवा, कि वो 15 साल से विधवा थी,
कि भाई देखो ये कितना बड़ा चरित्र है। हालांकि ये साबित करना मुश्किल होगा कि मोहम्मद केवल खदीजा के चरित्र के प्रति आकर्षित था, उसके पैसे के प्रति नहीं, जबकि उसके वफादार और सहानुभूति दोनों साबित करनी है। मोहम्मद को अभी तक इन चरित्र गुणों का पहले से आकलन करने का अधिक अवसर नहीं मिला था। तो ये पहला सिद्धांत था। दूसरा कि मोहम्मद खदीजा का पैसा चाहता था, इसके विपरीत ये निश्चित है कि उसे अपनी संपत्ति का आकलन करने का अवसर मिला था। वो किसी भी पड़ोसी के लिए एक चरवाहे के रूप में काम कर रहा था, निश्चित रूप से वह भविष्य में बेहतर सुरक्षा की आशा करता था। फिर भी इसका पालन नहीं होता है कि मोहम्मद ने खदीजा से केवल उसके पैसों के लिए शादी की थी। ठीक है, अब तीसरी थ्योरी कि मोहम्मद एक माँ विकल्प की तलाश कर रहा था। तो इसकी ये तारा मैकार्थर की अपनी थ्योरीज है, इनकी तीसरी थ्योरी है कि वो एक माँ ढूंढ रहा था, माँ जैसी। कई लोग लड़के होते हैं, उनको बचपन में माँ का ठीक से नहीं मिला होता, तो वो हमेशा माँ जैसी फिगर ढूंढ रहे होते हैं। तो ये कहता है कि शायद मोहम्मद एक माँ विकल्प की तलाश कर रहे थे। कुछ पश्चिमी टीकाकार ये देखते हुए कि मोहम्मद की माँ की मृत्यु हो गई थी जब वो केवल 6 वर्ष के थे, उन्होंने बूढ़ी औरत को इस रूप में संदर्भित किया। उसकी देखभाल करने वाली माँ पत्नी खदीजा के लिए मोहम्मद का माँ विकल्प के रूप में ऑडिपल लगाव स्पष्ट है। हालांकि इस फ्रॉडियन सिद्धांत के लिए बहुत अधिक समर्थन नहीं है। अक्सर उद्धृत परंपरा है कि खदीजा मोहम्मद से 15 वर्ष बड़ी थी, इसलिए 40 की कौगर दुल्हन संदिग्ध है। यह उनके भतीजे हाकिम से उत्पन्न हुआ है, जो लोगों की उम्र के मामले में अविश्वसनीय है, क्योंकि उसने अपनी उम्र 120 होने का दावा किया था। हकीम के जीवन के बारे में जो कुछ भी जाना जाता है, वो एक स्पष्ट कारण बताता है कि उसने अपनी उम्र को क्यों बढ़ा चढ़ाकर पेश किया होगा। देखिए, एक जगह एक एक वो मिलता है, क्या बोलते हैं, रेफरेंस, जिसमें कि हकीम नाम का एक आदमी है, उसने अपनी उसने लिखा है कि ये खदीजा 40 की थी, लेकिन ये बात गलत है और ये बात कई तरह से प्रूवन रॉन्ग है, क्योंकि खदीजा की डेट ऑफ बर्थ है, उसके अनुसार खदीजा केवल 2.5 साल बड़ी थी मोहम्मद से, और वो 27 साल की थी उस समय, और मोहम्मद 24 का था, कुछ महीने का, और वो भी 27 कुछ महीने की थी, ऐसा था। तो 2.5 साल का फर्क था। लेकिन ये बता रही है कि हकीम नाम का जो व्यक्ति, जिसने कि ये कहा कि भाई खदीजा 40 की थी, वो इसने बढ़ा चढ़ा के इसलिए कहा, उसने अपनी उम्र के बारे में भी झूठ बोला है कि वो 120 वर्ष का था, जबकि वो नहीं था 120 वर्ष का। तो कि हकीम के जीवन के बारे में जो कुछ भी जाना जाता है, वो एक स्पष्ट कारण बताता है कि उसने अपनी उम्र को क्यों बढ़ा चढ़ाकर पेश किया होगा। वो बहुत देर से और अनिच्छा से इस्लाम में परिवर्तित हुआ था। अभिलेखों से उसके नाम की अनुपस्थिति से पता चलता है कि वो इस्लाम से पहले या बाद में मक्का में राजनीतिक रूप से शक्तिशाली नहीं था, कि वो व्यवसाय में केवल मामूली रूप से सफल था, कि उसने कभी भी किसी से सैन्य सगाई में खुद को प्रतिष्ठित नहीं किया, न कि वो विद्वान नहीं था, और ये भी कि विशेष रूप से मोहम्मद के निकट नहीं था, यानी उसमें कोई भी खूबी नहीं थी। ना तो वो कोई बड़ा अमीर आदमी था, ना कोई बड़ा व्यवसायी आदमी था, ना उसने किसी बड़े उससे सगाई करी थी, ना कोई वो विद्वान था, और ना ही वो मोहम्मद का कोई करीबी था। तो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होने का उसका एकमात्र दावा, तो अगर कोई व्यक्ति ना बड़ी इंपॉर्टेंस चाहता और उसको किसी भी एरिया में इंपॉर्टेंस ना मिले, ना तो वो कोई बड़ा व्यवसाय करने का हो, ना वो बड़ा एजुकेटेड पर्सन हो, ना वो मोहम्मद का रिश्तेदार हो, ना उसकी शादी किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति से हुई है, तो अब वो कहाँ पर फेम पाना चाहता हो तो वो क्या करेगा। तो उसने क्या किया, अपनी उम्र को कह दिया मैं 120 का हूं, ताकि लोग के वाह ये तो बड़े बड़े मतलब सीनियर सिटीजन है, तो उसको इस बात का कुछ अटेंशन मिल जाए, लोगों में वो पॉपुलर हो जाए। तो उसने ये हो सकता है कि तो ये है कि एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होने का उसका एकमात्र दावा, शहर का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होने का उसका दावा था। ये हो सकता है कि खदीजा के खुद से उम्र में बड़े होने की बात को भूल जाने के बाद हकीम को अपनी उम्र को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की जरूरत थी, जो कि वह खुद को जिम्मेदार ठहरा रहे थे, तो इसलिए उसने अपनी उम्र भी झूठ लिखी।
इस और चूंकि खदीजा जो है वो उससे उम्र में बड़ी थी, तो ये बात वो भूल गया खदीजा के बारे में। तो इसके विपरीत मोहम्मद के युवा चचेरे भाई इब्न अब्बास ने कहा कि जिस दिन खदीजा ने अल्लाह के रसूल से शादी की वो 28 वर्ष की थी। तो इब्न अब्बास का अकाउंट है, वो खुद उसने कहा है अपने मुंह से कि वो 28 की थी। अगर कोई चाहता है तो मैं उनको वो दे दूंगी रेफरेंस, ये अधिक विश्वसनीय है। सबसे पहले इब्न अब्बास एक त्रुटिहीन गवाह है, उसने कभी कोई एरेनियस बात नहीं कही है। एक उच्च प्रशिक्षित स्मृति वाला विद्वान, उन्होंने मोहम्मद के साथ काफी समय बिताया और उनके जीवन का एक प्रमुख स्रोत है। उनकी माँ जो थी वो खदीजा की करीबी दोस्त भी थी, यानी इब्न अब्बास जो है वो एक रिलायबल पर्सन है जो सही बोलता है, क्योंकि वो मोहम्मद का भी करीबी था, वो मोहम्मद के साथ कहीं रहा। उसकी माँ जो थी वो खदीजा की दोस्त थी और उसने कभी कोई विटनेस करा नहीं गलत। जबकि जो ये हकीम ने जो खदीजा की उम्र ज्यादा बताई है, वो उसने जो दूसरा अकाउंट अपनी उम्र के बारे में दिया है वो बिल्कुल ही रॉन्ग था। तो इसलिए इब्न अब्बास को उनकी उम्र के बारे में सही ढंग से सूचित करने के लिए उसकी ज्यादा रिलायबिलिटी है। हाकिम के विपरीत उसका भी झूठ बोलने का कोई ज्ञात उद्देश्य नहीं था। दूसरी बात कि इब्न अब्बास के शब्दों को एक तीसरी परंपरा का समर्थन प्राप्त है कि खदीजा की मृत्यु के समय लगभग 50 की थी। जब खदीजा मरी तो वो 50 ईयर्स ओल्ड थी, क्योंकि उसकी शादी 25 वर्षों से मोहम्मद से हुई थी। जब उसने उससे शादी की थी तब वो लगभग 25 रही होगी। एक चौथी परंपरा कहती है कि वो 30 की थी, जबकि ये दोनों काफी करीब हैं। तो इब्ने अब्बास ने कहा कि वो 28 की थी, एक और जगह से आया है कि वो 30 की थी। तो 30 और 28 बहुत ही आपस में मिलते जुलते हैं, बहुत करीब ही है। तो इब्ने अब्बास के अधिक सटीक रूप से सूचित 28, तो 28 साल उसकी ठीक एज थी। अब तीसरी बात क्या है कि 10 वर्षों की अवधि में खदीजा ने मोहम्मद को 6 बच्चे पैदा किए, जबकि यह पूरी तरह से संभव नहीं है कि खदीजा ने अपने 40वें वर्ष में 2 साल के अंतराल पर जन्म दिया, क्योंकि 50 में तो वो मर गई। अगर 40 साल की खदीजा थी तो उसके 6 बच्चे कैसे हो गए? वैसे भी इस दौरान विमेन को मेनोपॉज हो जाता है। तो 50, क्योंकि 40वें वर्ष में 2 साल के अंतराल पे उसने बच्चों को जन्म दिया, तो बच्चों की जो उम्र है उनमें भी 2-2 साल का अंतर है। तो 50 वर्ष की आयु में निश्चित रूप से सामान्य सीमा से बाहर होता है क्या चीज, मानव प्रजनन की क्षमता। कम से कम मोहम्मद ने इसे एक चमत्कार के रूप में पेश करने की कोशिश की होगी, क्योंकि बाद में जब उन्होंने खुद को एक पैगंबर घोषित किया तो उन्हें कुछ चमत्कारों से शर्मिंदा होना पड़ा, क्योंकि लोग उनसे कहते थे चमत्कार दिखाओ चमत्कार दिखाओ। अगर 50 साल की खदीजा के बच्चे हो रहे थे तो ये तो वो चमत्कार के रूप में प्रेजेंट कर सकते थे। फिर भी किसी ने कभी भी ये दावा करने की कोशिश नहीं की कि खदीजा की प्रजनन क्षमता थी एक चमत्कार। किसी ने सुझाव भी नहीं दिया कि ये एक हल्का आश्चर्यजनक था। खदीजा के प्रसूति संबंधी इतिहास की तथ्यात्मक रिकॉर्डिंग पूरी तरह से समझ में आती है, यदि हम ये मान लें कि मोहम्मद से शादी करते समय वे अपने 20वीं दशा में थी और जब उसका बच्चा पैदा करना बंद हो गया तब वो 40 वर्ष की नहीं थी, तब भी वो 40 वर्ष की नहीं थी। खदीजा वास्तव में मोहम्मद से बड़ी थी, लेकिन उम्र का अंतर केवल 3 साल का था, मतलब 2.5 साल का। उसने उसे शायद ही उसकी माँ स्थानापन्न होने के योग्य बनाया। आकर्षण, ऊर्जा स्तर और जीवन अनुभव के संदर्भ में ये एक ऐसा अंतर था जिस पर रोजाना ध्यान नहीं दिया जाता था। जैसा कि हुआ था, मोहम्मद को कभी भी किसी अन्य महिला से शादी नहीं करनी थी जो खदीजा के उम्र की थी। ये देखो कि मोहम्मद ने खदीजा की उम्र की वुमन से फिर शादी ही नहीं की।
चौथा सिद्धांत क्या है? तारा मैकआर्थर लिखती है कि मोहम्मद को खदीजा आकर्षक लगी। ये भी एक थ्योरी हो सकती है कि मोहम्मद को खदीजा बड़ी सुंदर लगी। तो विवाह के बारे में एक अधिक स्पष्ट सिद्धांत यह है कि खदीजा एक आकर्षक युवती थी, जबकि एक आधुनिक जीवनी जो उसे सुंदर, लंबा और हल्की चमड़ी के रूप में वर्णित करती है, प्रारंभिक स्रोतों का हवाला नहीं देती है। नौकर नफीसा ने भी उसकी सुंदरता का उल्लेख किया था, भले ही नफीसा अतिरंजना कर रही थी। इस संदर्भ में सौंदर्य शब्द आमतौर पर संदर्भित करता है विकृत या बदसूरत होने के विपरीत सामान्य दिखने के लिए। मतलब ये कि नौकरानी ने उसको प्रेस किया था खदीजा की खूबसूरती को। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि खदीजा जो थी वो खूबसूरत होने का मतलब ये होता, ये भी था उस समय कि बदसूरत नहीं थी, मतलब सामान्य थी, एवरेज लुकिंग थी। तो उसने एक ऐसे व्यक्ति से एक स्पष्ट झूठ बोलने का कोई उद्देश्य पूरा नहीं किया जो पहले से ही जानता था कि खदीजा कैसी दिखती है। परंपराएं निश्चित रूप से उनके बीच एक मजबूत शारीरिक आकर्षण का संदेश देती हैं, यानी कोई सेक्सुअल अट्रैक्शन ही हुई है खदीजा और मोहम्मद के बीच में, क्योंकि खदीजा जो थी बहुत खूबसूरत नहीं थी, सामान्य थी। तो फिर ऑब्वियसली जब वो सामान्य थी तो फिर उसमें क्या चीज आकर्षक लगी? ऑब्वियसली सेक्सुअल अट्रैक्शन होगा, कुछ फिजिकल अट्रैक्शन। तो जब मोहम्मद ने नफीसा से कहा कि वो हमेशा से ऐसा करना चाहता था, यानी कि उसके साथ जो भी सेक्स वेक्स करना चाहता था। अच्छा, अब खदीजा का जो है ये थर्ड हस्बैंड, एक मिनट में एक टेबल दिखाना चाहती हूँ आप लोगों को, जरा एक दो मिनट दीजिए, मैं खोल लेती हूँ उसको। रुकिए मैं शेयर करती हूँ। हाँ, रीजंस वाई मोहम्मद मैरिड खदीजा, खदीजा के रीजंस क्या थे, और थ्योरी वन, थ्योरी टू, थ्योरी थ्री। ये देखिए, ये चार्ट मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड, इसको मैं ट्विस्ट करूँ कैसे। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये है खदीजा का थर्ड हस्बैंड, ठीक है, खालिद इब्न असद इसके थे, असद क्लैन का, अब्दुल मुत्तलिब इब्न हशिम, अब्दुल्ला यानी कि अब्द अल्लात, सफिया, उम्म हकीम, हमजा, अबू तालिब, अल अब्बास और अबू लहब, ठीक है, ये इसके चाचा और ताऊ वगैरह है। अब्दुल्ला से मोहम्मद है, साफिया से अल जुबैर, अरवा बिंत कुरैज, उम हाकिम से और अबू तालिब से फकीता है, जिससे कि मोहम्मद प्यार करता था, पता है, फकीता से वो उसका पहला प्यार थी, पर अबू तालिब ने उसे मना कर दिया था क्योंकि मोहम्मद बेरोजगार था। अल अब्बास का अब्दुल्ला इब्न अब्बास और अबू लहब के एक बेटी थी दुर्रा और उतबा और उतैबा, ये पता है ना, उतबा और उतैबा की शादी रुकैया और उससे हुई थी, उम्म कुलथम से, जो कि तब डाइवोर्स हो गया था, और दुर्रा की शादी जायद से हुई थी। अच्छा, अब मोहम्मद के ये थे बच्चे खदीजा से जो थे, कासिम जो कि बचपन में मर गया था, जो बेटा, जैनब बड़ी जो जिसकी की शादी बड़ी अमीर घर में हुई थी, अब्दुल्ला जो लड़का था वो भी बचपन में मर गया, रुकैया थी
रुकैया जो थी वो और उम्म कुलथुम, ये दो जो थी इनकी डाइवोर्स करवा दिया था इसने बाद में, और रुकैया ये लोग अबिसिनिया चले गए थे। फातिमा जो थी उसको सबसे ज्यादा चाहता था मोहम्मद, क्योंकि उसकी शक्ल बिल्कुल मोहम्मद से मिलती थी। और जायद जो था वो अडॉप्टेड सन था, और अली भी अडॉप्टेड सन था। अच्छा, अब इनके भी बच्चे बताए हैं। फातिमा के कौन कौन बच्चे हुए? फातिमा का हसन हुआ, हुसैन। एक्चुअली में ये हसन और हुसैन कहा जाता है कि ये अपहरण करके लाए थे वहां के सुल्तान के बच्चों को, और फातिमा को पकड़ा दिए और कह दिया कि इसके बेटे हैं। ये एक अलग कहानी है जो मुझे किसी और से पता चली है, हसन और हुसैन वाली। और ये शिया लोग मानते ना हसन और हुसैन को, तो अली को, तो अली के एक्चुअली में ये अली के भी बच्चे नहीं थे, ये किडनैप्ड बेटे थे, जिसके मुंह में जीभ डालता था मोहम्मद, हसन और हुसैन के, और जैनब और उम्म कुलथम। तो ये उम्म कुलथम थी ना, इसकी शादी उमर से कराई थी। अच्छा, और जायद का उसामा, और रुकैया का बेटा था अब्दुल्ला, वो भी बचपन में मर गया। और जैनब का बच्चे बच्चे थे दो, एक अली वो भी बचपन में मर गया, एक उमामा था, और उसका भी बेटा था मोहम्मद नाम से उसने रख लिया था जैनब ने, दूसरी वाली जैनब। तो ये है इनका पूरा एंसेस्ट्री। ठीक है, बस मुझे यही दिखाना था। तो फिर मैं कहाँ पे थी? हाँ, तो मोहम्मद ने जब मोहम्मद ने नफीसा से कहा कि वो हमेशा से ऐसा करना चाहता था, तो उसने शादी की, लेकिन वो इसे सहन नहीं कर सका। वो सीधे अपने व्यक्तिगत अनुभव से बोल रहा था, वो अपनी चचेरी बहन फाखिता से शादी करना चाहता था। जैसे मैंने बताया ना, उसको प्यार हो गया था फाखिता से, जो अबू तालिब की बेटी थी, लेकिन अबू तालिब जो है उससे नहीं करना चाहता था, क्योंकि मोहम्मद निठल्ला था। तो वो अपनी चचेरी बहन, मोहम्मद जो है अपनी चचेरी बहन फाखिता से शादी करना चाहता था, लेकिन उसके चाचा अबू तालिब ने उसे एक अमीर आदमी को देकर, मतलब अपनी बेटी की शादी एक अमीर आदमी से करवा दी, लेकिन मोहम्मद से नहीं करवाई। और मोहम्मद को बताया कि परिवार को पैसे से शादी करने की जरूरत है, इसलिए खदीजा का प्रस्ताव उस समय आया जब मोहम्मद एक पत्नी की तलाश कर रहा था, और मन में फ्रेम में किसी भी उचित प्रस्ताव पर विचार कर रहा था। तो देखो कि अबू तालिब ने फाकिता की शादी एक अमीर आदमी से करवा दी, जबकि मोहम्मद उससे प्यार करता था, तो उससे नहीं करवाई, वो अमीर आदमी से करवा दी। तो मोहम्मद भी एक अमीर वुमन को ढूंढ रहा था, वो भी उस समय सोच रहा था मैं किसी से शादी कर लूं, क्योंकि वो ऑलरेडी प्यार करता था। तो संक्षेप में, खदीजा का संरक्षण मोहम्मद के लिए सबसे असाधारण सौभाग्य था। बिल्कुल सही समय पर एक आकर्षक बहू, करोड़पति, ने उसे एक ऐसा प्रस्ताव दिया जिसे अस्वीकार करना ठीक नहीं था। मतलब खदीजा की विरासत। अब सुनते हैं खदीजा के वंशज, कि खदीजा के सबसे बड़े पोते मोहम्मद इब्न सैफी मदीना में बस गए। उनके अपने बच्चे और पोते थे। आपको मैंने खदीजा के दो टेबल और दिखाए हैं, जो मोहम्मद, ये तो थर्ड हस्बैंड है, फर्स्ट हस्बैंड के साथ बच्चे, और सेकंड हस्बैंड, फर्स्ट हस्बैंड के साथ दो बच्चे थे और सेकंड हस्बैंड के साथ तीन बच्चे थे, और थर्ड हस्बैंड के साथ छह बच्चे थे, जिसमें से दो मर गए। ठीक है, ये था खदीजा का पूरा। तो खदीजा का सबसे बड़ा पोता जो था मोहम्मद इब्न सैफी, वो मदीना में बस गया। उनके अपने बच्चे और पोते थे, जिन्हें खदीजा के सम्मान में मोहम्मद पंथ के रूप में जाना जाता था। कुछ पीढ़ियों के भीतर मतलब सितंबर में मर गया। वास्तव में अभिव्यक्ति मर गई को सावधानी के साथ लिया जाना चाहिए। इसका मतलब ये हो सकता है कि वे सभी प्लेग या युद्ध या बांझपन के शिकार हो गए, लेकिन इसका सीधा सा मतलब ये हो सकता है कि सेप्टर नाम को जारी रखने के लिए कोई पुरुष वंशज नहीं था। मतलब संतान बेटियों के माध्यम से जीवित रही, मतलब लड़के मर जाते थे। हालांकि तथ्य यह है कि ये प्रलेखित नहीं थे। उस समय जब लोग पैगंबर के साथ निकटता से जुड़े किसी व्यक्ति के लिए अपने वंश का पता लगाने के लिए उत्सुक थे, ये बताता है कि खदीजा का पोता कभी भी इस्लाम में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं था।
जब खदीजा की मृत्यु हुई, उसका एकमात्र जीवित पुत्र हिंद इब्न अबी हाला अभी भी मूर्ति पूजक था। आपको याद होगा कि उसके दो बेटे जो थे वो मूर्ति पूजक थे, तो सब मर गए एंड में। जब खदीजा मरी, तब तक एक ही जीवित रहा पुत्र उसका, हिंद इब्न अबी हाला, जो मूर्ति पूजक था। ऐसा कहा जाता है कि वो बद्र की लड़ाई में मौजूद था, लेकिन वह अन्य जातियों के लिए लड़ रहा होता। वह शायद एक नहीं, मतलब वो ऐसा नहीं हुआ शायद। एक मिनट रुकिए। तो वो मुसलमान नहीं बना 630 तक, जब हर मक्का के निवासी को फोर्स किया गया तलवार के दम पर कि उनको कन्वर्ट होना ही है। इसके बाद हिंद का नाम जो है कभी कभी आता है। वो ही इज ऑलमोस्ट सर्टनली अल ताहिर इब्न अबी हाला, जिसको कि मोहम्मद ने गवर्नर बना दिया यमन का मार्च 632 में। तो इसका मतलब वो बाद में इन लोगों ने, मोहम्मद जो है वो जब पावरफुल हो गया तो उसने स्वॉर्ड के दम पर लोगों को कन्वर्ट करना शुरू किया। तो उसका जो मूर्ति पूजक बेटा था खदीजा का, उसको धर्मांतरित करके यमन का गवर्नर बनाकर भेज दिया। तो 632 में कई लंबे समय से सेवा करने वाले मुसलमानों के सिर पर के हेड पर नियुक्त किया, जिन्होंने अपनी वफादारी साबित की थी और वर्षों की योग्यता। हिंद स्वधर्म युद्धों में अबू बकर के प्रति वफादार था, तो वो अबू बकर के प्रति अपनी लॉयल्टी रखता था। इस अपोस्टेसी वॉर्स कहते हैं। तो उसने अली के लिए फाइट किया बैटल ऑफ कैमल में 656 में, और फिर इसके बाद उसको बहुत सारी चोटें लग गई तो वहां मर गया। और वो बसरा सीरिया में मरा, क्योंकि वो वहीं पर सेटल था। और उस दिन बाजार को कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि उस दिन वहां पर कोई भी लोडिंग, जहाजों की लोडिंग या अनलोडिंग नहीं थी। तो उसका एक बेटा था, कम से कम एक बेटा तो था, जिसका नाम हिंद था, जो आयशा के लिए लड़ते हुए ऊंट की लड़ाई में मारा गया। ये पिता और पुत्र के बीच एक दिलचस्प संघर्ष का सुझाव देता है। ये फिर से बताया गया है कि कोई वंशज नहीं बचा। इस बारे में कोई भी खबर नहीं है कि परिवार की मृत्यु कैसे हुई, और फिर ये संभव है कि वंशज दोनों हिंद की बेटियों के माध्यम से जारी रहे। खदीजा की, अब ये तो हो गए उसके बेटों का, अब खदीजा की बेटियों में जैनब, जो भाई अमीर घर में ब्याही थी, अबू आस के प्रति वफादार रही। आपको याद होगा कि अबू आस जो था वो मतलब लोगों ने कहा था कि तुम तलाक दे दो इसको, जो मूर्ति पूजक थे उन्होंने कहा था कि तुम इसकी बेटी को तलाक दे दो। तो अबू आस ने उसको तलाक नहीं दिया था, खदीजा की बेटी को। वो उसके प्रति वफादार रहा, क्योंकि मूर्ति पूजक ज्यादा मोरलिटी के थे। और 627 के अंत में अबू आस के मुस्लिम बनने के लिए सहमत होने के बाद वो फिर से उससे मतलब अबू आस को इसने मुस्लिम बना ही लिया। ये देखो, इनकी लड़कियां भी यही काम करती हैं, मुसलमान बना ही लेती हैं। जी रीनॉर्मलाइज, जी मैं बाद में स्ट्रीम का वो दे दूंगी लिंक, खत्म होने वाला है चैप्टर। तो सभी इस्लामिक युद्धों में लड़े, और जैनब के 629 के मध्य में मरने के बाद 31 वर्ष की आयु में अबू आस मक्का लौट आया। वहां उसने पुनर्विवाह किया और वहां मार्च 634 में उसकी मृत्यु हो गई। अब जैनब और अबुल आस के दो बच्चे थे। अली की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी, और उमामा, जिसके साथ मोहम्मद ने हमेशा प्यार से व्यवहार किया, बड़ी हुई और अपनी चाची फातिमा की मृत्यु के बाद मोहम्मद के चचेरे भाई अली से उसने शादी कर ली। इस शादी से एक बेटा हुआ मोहम्मद मध्य, लेकिन ये माना जाता है कि उनके पास कोई संतान नहीं थी। अली की मृत्यु के बाद उमामा ने नए खलीफा मुआविया से शादी के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उसकी दूसरी शादी अल मुगीरा इब्न नौफाल से हुई, जो निसंतान थी।
रुकैया, अब आते हैं रुकैया पे। तो ये पहली बेटी हो गई जैनब के बारे में। अब रुकैया की सुंदरता, आपको याद होगा कि रुकैया जो थी वो अबिसिनिया चली गई थी, तो रुकैया की सुंदरता ने अबिसिनिया में बड़ी हलचल मचा दी। युवकों ने उसे निहारते हुए देखा और उसकी ओर तब तक नाचते रहे जब तक कि वो मेजबान के मतलब जो है वो अपना धैर्य नहीं खो गया, खो बैठी। अरब लौटने के बाद भी उसने पुरुषों को विचलित करना जारी रखा। जायद का बेटा जो था उस्मा अपने घर गया और समय का सारा ट्रैक खो दिया, क्योंकि उसने खुद को रुकैया से उस्मान तक घूरते हुए पाया और फिर से वापस आ गया, क्योंकि वह इससे अधिक आकर्षक जोड़ा कभी नहीं देखा था। मार्च 624 में लगभग 23 वर्ष की आयु में रुकैया की मृत्यु हो गई। उसका इकलौता बच्चा अब्दुल्ला अक्टूबर या नवंबर 625 में मर गया एक दुर्घटना के बाद, जिसमें एक मुर्गे ने उसकी आंख निकाल ली। एक मुर्गे ने उसकी आंखें निकाल ली तो इस जो है वो मर गया, जो रुकैया का इकलौता बच्चा था अब्दुल्ला, वो 625 में मर गया। और 624 में एक साल पहले ही उसकी माँ 23 साल की वर्ष में मर गई। रुकैया की मृत्यु के बाद उसके विधुर उथमान ने उसकी बहन उम्म कुलथम से शादी की, लेकिन वो निसंतान थी। मोहम्मद ने उसे उथमान की इच्छाओं का पालन करने और उसके साथ शांति से रहने के लिए हर संभव प्रयास करने का आग्रह किया। नवंबर या दिसंबर 630 में उसकी मृत्यु हो गई, वो मतलब लगभग 27 साल में। मोहम्मद ने कहा कि अगर मेरी 10 और बेटियां होती तो भी मैं उन सभी को उस्मान को दे देता, लेकिन उनकी और बेटियां नहीं थी और उस्मान फिर एक बहुविवाहवादी बन गया। अब आते हैं फातिमा पे, जो कि मोहम्मद की शक्ल की थी। उसने अली से शादी की, मतलब उसकी शादी के लिए और लोग भी आए थे, पर मोहम्मद ने कहा भाई अभी तो मेरी बेटी छोटी है, अभी तो मेरी बेटी छोटी है, जबकि उससे छोटी आयशा थी, लेकिन उससे तो कर ली। अच्छा, फातिमा ने अली से शादी की और उसके 4 बच्चे हुए, हसन, हुसैन, जैनब और उम्म कुलथुम। वो जीवित रहने के लिए मोहम्मद के बच्चों में से एक थी, मतलब यही फातिमा ही जीवित रही, बाकी सारी उसकी बहनें मर चुकी थी। नवंबर 632 में 27 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। फातिमा इस्लामिक स्मृति में एक बहुत विशेष स्थिति रखती है। उन्हें द डेजलिंग अल जहरा के रूप में जाना जाता है और उन्हें एक महान संत भी माना जाता है, उसको बड़ा सेंट मानते हैं। हालांकि अरब इसे पुत्रहीन होने के लिए अभिशाप मानते थे। मुस्लिम महिलाओं के लिए यह शायद सौभाग्य की बात है कि मोहम्मद के जीवित बच्चे सभी महिलाएं थीं। मुस्लिम महिलाओं के लिए यह सौभाग्य की बात है ऑब्वियसली कि भाई उसके सारी जो बेटियां थीं वही जीवित रहीं। और इस्लामिक इतिहास में उनकी उपस्थिति मुस्लिम महिलाओं को कुछ दर्जा प्रदान करती है, क्योंकि पैगंबर खुद एक बेटियों के पिता थे। उनके सभी वर्तमान वंशज फातिमा के माध्यम से हैं और वे वंशज बिना संख्या के हैं। देखा, तो मोहम्मद के जितने भी वंशज हैं वो सारे फातिमा के जरिए ही तो हैं, क्योंकि बेटा तो सारा मर ही गया था, और वे वंशज बिना संख्या के हैं। अब मुस्लिम वर्कफोर्स में महिलाओं के बारे में बात कर लेते हैं, तो आधुनिक मुसलमान खदीजा की स्वतंत्रता और सफलता को न केवल सभी मुस्लिम महिलाओं को व्यवसायी बनाने की अनुमति के रूप में देखते हैं, बल्कि उन महान अवसरों के उदाहरण के रूप में देखते हैं जो इस्लाम महिलाओं को प्रदान करता है। खदीजा पैगंबर की पहली पत्नी, इतिहास में एक उत्कृष्ट महिला मुक्तिदाता, प्रारंभिक जीवन की जीवंत मुक्ति की भावना को पुनः प्राप्त करने में हमारी मदद कर सकती है, इस्लाम की मदद कर सकती है। गैर मुस्लिमों के बीच मुसलमानों की वर्तमान छवि को दूर करने के लिए केवल यही एक लंबा रास्ता तय कर सकता है। हर जगह मुस्लिम लड़कियों के लिए खदीजा माता पिता और धर्म के शिक्षकों द्वारा पेश की गई पहली महिला रोल मॉडल में से एक है। एक स्वनिर्मित व्यवसायी महिला, उसने पहले ही अपनी सफलता स्वयं निर्मित कर ली थी। लड़कियों को सफलता के समान अवसर से वंचित करने का औचित्य धर्म की पुरातन व्याख्याओं में निहित है। एक शक्तिशाली मुस्लिम महिला होने के बारे में कुछ भी विरोधाभासी नहीं है।
इस तरह का तर्क उन मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत फायदेमंद रहा जिनके पिता और पति ने उन्हें ऐसा सोचने की इजाजत दी है, लेकिन ये एक अतार्किक है। यह इस वास्तविकता की उपेक्षा करता है कि खदीजा का करियर इस्लाम के अस्तित्व में आने से पहले ही स्थापित हो गया था। अभी देखो, जो इस्लाम की पहली रोल मॉडल जो है वो खदीजा ही है। लोग कहते हैं भाई वो तो बड़ी मुक्त, बड़ी स्वतंत्र थी, उसने तो बिजनेस किया ये वो, ऐसा मुस्लिम लोग बड़ा अपना वो मारते हैं शान। लेकिन देखो, वो खदीजा जो थी वो तो कोई इस्लामी नहीं थी शुरू में, जब वो तो व्यवसाय करती थी तब तो वो नॉन मुस्लिम थी ना। तो ये इस वास्तविकता की उपेक्षा करता है कि खदीजा का कैरियर इस्लाम के अस्तित्व में आने से पहले ही स्थापित हो गया था। वो इस्लाम के बारे में कुछ भी साबित नहीं करता है। ये वास्तव में उन अवसरों को प्रदर्शित करता है जो पूर्व इस्लामिक अरब कभी कभी महिलाओं को प्रदान करते थे। हालांकि ये संभावना नहीं है कि पूर्व इस्लामिक अरब एक नारीवादी स्वर्ग जन्नत था, और जबकि अधिकांश व्यापारी पुरुष थे, पूर्व इस्लामिक अरब महिलाएं न केवल बाजार में पुरुषों के साथ स्वतंत्र रूप से घुल मिल जाती थी, बल्कि ऐसा करने के लिए उनका सम्मान भी किया जाता था। उनमें से बहुत मूर्ति पूजक हिंद बिंत उतबा, अबू सुफियान की पत्नी, और इत्र बनाने वाली अस्मा बिंत मुखरिबा अबू जहल की माँ थी। तो ये देखिए, मुस्लिम महिलाएं जो थी उनको पूरी फ्रीडम थी कि ये बाजार में आदमियों के साथ मिलती थी और बातचीत करती थी, और कई तो इसमें से मूर्ति पूजक थी। खदीजा की मृत्यु के बाद मुस्लिम महिलाओं को घर पर रहने और बुर्का पहनने का आदेश दिया गया, और एक अनुयायी मुस्लिम महिला के लिए ऐसा कोई उद्यम करना असंभव हो गया। उन मुस्लिम महिलाओं ने जो सदियों से कभी कभी व्यापार में सफल रही हैं, अनिवार्य रूप से इस्लाम की सख्ती की अवहेलना करके इसे प्रबंधित किया है। खदीजा को ये नहीं पता था कि उसकी मृत्यु के एक दशक के भीतर उसकी जीवन शैली उनके आध्यात्मिक वंशजों के लिए वर्जित होगी। और अब देखो विवाह की प्रकृति। खदीजा ने एक विवाह की मिसाल कायम की। यही कारण है कि आज कुछ मुसलमान एक विवाह को मानक के रूप में स्वीकार करते हैं। यदि पैगंबर 25 वर्षों से एक विवाही थे, यह एक वांछनीय जीवन शैली होनी चाहिए। अब ये लोग ये क्यों नहीं सोचते हैं कि 25 साल तक ये लोग शादी ना करें? मोहम्मद ने भी तो 25 साल के बाद शादी की, तो तुम सारे मुसलमान क्यों नहीं 25 साल तक अनमैरिड रहते हो? फिर भी अरबी विवाह के अन्य पहलू थे जिन पर मोहम्मद ने कभी प्रश्न नहीं उठाया। इनमें से धारणा ये थी कि विवाह दूल्हा और ससुर के बीच में एक अनुबंध था, जिसमें उन्होंने एक महिला की संरक्षकता को स्थानांतरित कर दिया। यानी कि पहले जो है वो ससुर उसको रखता था और अब दूल्हा रखता है। यह कुछ हद तक ऊंट खरीदने के समान था। यानी कि वुमन की रक्षा करना तुमने ट्रांसफर कर दिया फ्रॉम द हैंड्स ऑफ अ फादर टू अ हैंड्स ऑफ अ ग्रूम। तो ये ऊंट खरीदने के समान था। तो खरीद के लिए विक्रेता की सहमति आवश्यक थी। मोहम्मद के लिए अपने कुछ विवाहों को देखना बहुत सुविधाजनक होगा होता, जिसमें खदीजा का विवाह भी शामिल है, विशुद्ध रूप से पति और पत्नी के बीच एक अनुबंध के रूप में। खदीजा की माँ का कुनबा इस अवधारणा से परिचित था। अभी तक इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि यह मोहम्मद को कभी हुआ था। अंतिम पैगंबर के रूप में जिसने मानव जाति के लिए अल्लाह के अंतिम शब्द को प्रकट किया, वो अपने जीवन के अंत तक एक अभिभावक के साथ अनुबंध करने की कानूनी आवश्यकता को पूरा करने के बारे में विशेष रूप से बना रहा। उसने कभी सवाल नहीं किया कि हर महिला किसी पुरुष की संपत्ति थी। तथ्य ये है कि उन्होंने खदीजा से शादी करने के लिए खुवैलिद की सहमति ली, केवल इस अवधारणा को इस्लामी मानदंड के रूप में रेखांकित करता है। अब सहमति की प्रकृति क्या थी, कि साथ ही इस कहानी से यह भी पता चलता है कि खदीजा और मोहम्मद ने सहमति को कैसे समझा। इसे मुक्त या सूचित होने की आवश्यकता नहीं थी। किसी भी प्रकार की सहमति कानूनी रूप से बाध्यकारी थी। मोहम्मद के जीवन में इस विषय की पुनरावृत्ति होनी थी। उसे तलवार की नोक पर सहमति लेनी थी। दबाव में एक अपरिपक्व या अस्वस्थ दिमाग से, यानी सिक माइंड से, आवश्यक जानकारी रोककर
यानी कि पूरे फैक्ट्स न बताकर दो बुरे विकल्पों के बीच एक झूठे विरोधाभास की पेशकश करके, आध्यात्मिक विश्वासों का शोषण करके, रिश्वतखोरी के माध्यम से या वादे करना जिसे वो तोड़ना चाहता था, फिर भी उसने कभी ये सुझाव नहीं दिया कि सहमति प्राप्त करने में किसी भी तरह की नैतिक समस्या थी, चाहे वह किसी भी तरीके से सफल हो। यह वह था जिसने मोहम्मद को सहमति दी थी, चाहे वो कैसे भी हो, जो नैतिक रूप से अपनी बात पर कायम करने के लिए बाध्य था। तो उसको उसके खुवैलिद, जो उसका पिता था, उससे सहमति लेनी थी, चाहे उसे शराब पिला के अनएथिकली इमोरली कैसे भी करे, उसका इस बात से कोई लेना देना नहीं था। मोहम्मद ने कभी भी एथिकल वेज पर ध्यान दिया ही नहीं, वो बस सहमति चाहता था, चाहे वो रिश्वत से करे, चाहे वो किसी भी बाय हुक और बाय क्रूक। तो खदीजा की, अपने पिता की चालाकी उन लोगों के लिए अरुचिकर हो सकती है जो पसंद की स्वतंत्रता की परवाह करते हैं, या उस बात के लिए जो बुजुर्गों का सम्मान करते हैं या शराब का तिरस्कार करते हैं। हालांकि एक पश्चिमी पाठक ये स्वीकार कर सकता है कि यदि अरब रीति रिवाज महिलाओं के लिए अनुचित थे, तो खदीजा को उनकी अवहेलना करने का अधिकार था, क्योंकि उसके लिए कोई ईमानदार रास्ता नहीं खुला था। इसलिए हम सिस्टम को इतनी कुशलता से मात देने के लिए उसकी प्रशंसा कर सकते हैं। अब इस्लाम की माँ कहते हैं उसको, तो ये अक्सर कहा जाता है कि इस्लाम का उदय अली की तलवार और खदीजा की संपत्ति से हुआ था। तो इस्लाम का उदय जो है वो अली की तलवार से और खदीजा की संपत्ति से हुआ। ये स्पष्ट है कि खदीजा ने इस्लाम की नींव में जो योगदान दिया वो पैसे से कहीं अधिक था। यह संदेहास्पद है कि उसने इरादा किया था या उस उत्साह का पूर्वाभास किया था जिसके साथ उस कुछ बाद के मुसलमान तलवार का सहारा लेंगे। जब खदीजा की मृत्यु हुई, इस्लाम दिशा बदलने वाला था। उसका एक संकेत ये था कि कुरान का स्वर बदल गया। अगले 2 या 3 वर्षों में जो खंड लिखे गए, हालांकि विधाई के बजाय कथा, खदीजा के जीवन काल की कविता की तुलना में मदीना के सपाट गद्य की तरह अधिक पढ़े गए, और मदीना का इस्लाम मक्का के इस्लाम से अलग होना था। आपको पता है मक्की आयतें जो हैं वो तेरा दीन तेरे लिए, मेरा दीन मेरे लिए, और जो मदीना की आयतें थी वो तलवार के नोक वाली की, काफिर को जहां पाओ वहीं पर उसको सरतन से जुदा कर दो। फिर भी मक्का के इस्लाम को कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। आज तक दुनिया लाखों मक्का शैली के मुसलमानों से भरी हुई है, जिनके पास स्थिर एक विवाह वाले विवाह हैं, जो व्यापार में ईमानदारी से काम करते हैं, जो अपने पड़ोसियों के साथ शांति से रहते हैं। वे अल्लाह की इबादत करते हैं क्योंकि वे ईश्वर की तलाश कर रहे हैं और वो जन्नत की आशा करते हैं। हालांकि उन्हें इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उनका उनका पुण्य उन्हें वहां ले जाने के लिए पर्याप्त होगा। मक्का शैली के मुसलमानों को ये समझ में नहीं आता कि कुछ चरमपंथी मुसलमान आतंकवाद की ओर क्यों मुड़ते हैं। वे नियमित रूप से इसकी तरह की अपील करते हैं। मेरा विश्वास, ये तारा मैकआर्थर लिखती है कि मेरा विश्वास उग्रवादियों द्वारा अपहरण कर लिया गया है। यदि पैगंबर मोहम्मद, एक व्यक्ति जिसे दुनिया के लिए दया के रूप में भेजा गया था, आज जीवित थे, तो वो इन अनुयायियों को क्या कहेंगे? आप एक समूह में कैसे निपटते हैं कि मतलब कि दया के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करता है? कुरान में वर्णित शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और प्रेम, यह अतिवाद इस्लाम की विकृति है। यदि खदीजा इन लोगों से मिल पाती तो शायद उन्हें इस बात से प्रसन्नता होती कि एक नए मजहब के लिए उनका विचार कैसे साकार हुआ। यदि मक्का शैली के मुसलमानों का कोई नबी है तो शायद वो नबी खदीजा है, अकॉर्डिंग टू तारा मैकआर्थर। तो आज खदीजा वाला चैप्टर समाप्त तो होता है, और कल से हम आयशा के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो मैं आप लोगों को एक लिंक दे देती हूँ। आज का टॉपिक केवल खदीजा के ऊपर है, और जो भी बात करेगा वो केवल खदीजा पे बात करेगा, और कोई बात नहीं हम करेंगे। और मैं इसको पिन कमेंट में भी डाल देती हूँ।
नो रीनॉर्मलाइज ऑन द जी, यू शुड रीड, यू शुड लिसन टू पार्ट वन एंड टू. यू आर आस्किंग क्वेश्चन विच आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड. टुडे इज पार्ट फोर, सो यू मिस्ड ऑल दोज अर्लियर पार्ट्स. नहीं, मुर्गे ने निकाली थी उसकी आंख. तो जो ज्वाइन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं. फाखीता था उसका नाम. जी इंदिरा जी, आप जय हिंदू राष्ट्र, आप थोड़ा बोलिए, मैं आती. नमस्ते मैडम, जय हिंदू राष्ट्र। आज का स्ट्रीम बहुत अच्छा था और इन्होंने तारा मैकर्थर ने बहुत ही अच्छा लिखा है और कई चीजें हैं जो बाहर प्रकट नहीं है, उन्होंने बताया भी है। कुछ ऐसे लास्ट को कुछ उन्होंने गोपन रख के बताने की कोशिश किया है, वो आप लोग समझ जाइए। और जहाँ आप देखेंगे इतिहास में, किताब में या कहीं भी, आपको दूसरा किसी पत्नी के बारे में उल्लेख नहीं मिलेगा, जो मिलेगा इन्हीं के बारे में ही सिर्फ मिलेगा, खदीजा के बारे में। और ये कि ये बहुत अच्छे थे, सोचते थे कुछ बनाने के लिए, फिर उनके एक विधवा पैसे वाली मिल गई तो उसको शादी कर लिया, तो उन्होंने फिर आपको क्या पैसे के लगता मामले है नहीं, कि खदीजा ने क्यों शादी करी मोहम्मद से, या मोहम्मद ने खदीजा से क्यों करी? तो लग रहा है उसको तो बहला फैसला दिया गया। जो चाचा था इसका, चाचा और बिलाल दोनों मिलके उसको बहला फुसला दिए हैं। और वो तो, बट मेरा कुछ मतलब दैट इज डिफरेंट इशू। तो मेरा मुझे कहने का तो मतलब लगता है, है पैसों की वजह से करी है उसने. हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। उनको लगा होगा कि ये बड़ा अच्छा है, मेहनत करता है और डबल प्रॉफिट लाके देता है, लेकिन मेरा विश्वास है कि डबल प्रॉफिट जो लाया किसी और को मार के उसका सामान लेके आ गया। तो हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, वो बात अलग है। लेकिन ये देखिए, इनका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि कहीं भी पढ़ाया जाता है तो पत्नी के बारे में इन्हीं को ही नाम लिया जाता है, खदीजा का, बाकी किसी का नहीं लेते। क्योंकि किसी और का, एक का भी लिया तो इनका बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि इतना घटिया आदमी है, कोई भी पत्नी का नाम लेते हैं तो क्या क्या गंदा हरकत किया था वो पता चल जाएगा। सिर्फ एक खदीजा है जिसके साथ इन्होंने कोई गंदा नहीं कर पाए, फिर भी लास्ट मोमेंट में इसको टर्चर करके बोला कि वो तेरा दूसरा सौतन है। और कौन, कितना बड़ा मतलब गलत बात बोलना है कि जिसने शादी नहीं किया, लाइफ लॉन्ग कुमारी रही, ईसा मसीह की माता जी उनके नाम ले लिया, और फिरौन की बीवी, फारो, फारो का बीवी, कौन सी फारो पता नहीं, इसको कुछ पता ही नहीं था, जो मन में आया बोल दिया, बस उसको टर्चर करना था, टर्चर कर दिया। और लेकिन लाइफ लॉन्ग मतलब उसके साथ इसने गेम ही खेलता रहा, और खदीजा सपोर्ट कर रही थी उसको। खदीजा सोचा था मैं इसको पाल रहा हूँ, मैं इसको बड़ा बनाऊंगा और इसमें काफी हमारा अच्छा भी हो जाएगा, और मेरे घर में आ गया यहोवा का या गॉड का जो है, क्या कहते हैं, मैसेंजर आ गया, तो हमारा क्वाम का भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन इसने कुछ भी नहीं किया, सारा का सारा बर्बाद करके चला गया, और उस एरिया को भी उसने बर्बाद कर दिया, अब सारा वर्ल्ड को अब बर्बाद करने जा रहा है। बात यह है, लेकिन इतना है उनका घर में भी, तो बोल रही थी शायद, नाम नाम नहीं ले रहा हूँ, कि कोई किसी ने बोल रही थी कि इवन घर में जो है, वो जब भी पढ़ाई की थी तो सिर्फ घर में बात भी करते हैं तो खदीजा के बारे में बोलते हैं, आयशा के बारे में कभी नहीं बोलते। आयशा, जैनब और जो भी सतीजा, सफिया, किसी के बारे में नहीं बोलते। क्यों, किसी के बारे में बोलेंगे तो फिर इनका तो नबी साहब का गलती सारा पकड़ा जाएगा, इसीलिए बोलते ही नहीं किसी के बारे में। तो इसीलिए पता चलता है कि हाउ बिग पर्सन, हाउ व्हाट इज दैट, अबव बोर्ड, एवरीथिंग अबव बोर्ड, आउटस्टैंडिंग पर्सन, पर्सनालिटी, दैट ग्रेट लेडी वाज, यही कहना है। बाकी रिनर साहब आप बोलिए, मैं निकलता हूँ यहाँ से। थैंक यू। हाँ, जय हिंदू राष्ट्र. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई मोहम्मद पैगंबर साहब एक्चुअली मैरिड खदीजा. द फर्स्ट थिंग दैट इज दैट कम्स टू हिज साइकोलॉजी इज दैट ही लॉस्ट हिज मदर व्हेन ही वाज वेरी यंग. दैट इज व्हाई
there would be a tendency of getting a sort of guidance, and financial support, that one aspects from an elder person. That must have been the sole motivation of Muhammad to marry Khadija. But in the bigger context, we should come across, we should actually consider the whether laws were present or not. Because we see that in pagan Jahiliya, during the Jahiliya period, we come across things that is that should not be present in such tribes. These are very uncivilized tribes. And those were, I want to refer to specific tribe. What was there was tribe values. Tribe values were there, and these were known as Muduka. Those thing is that one tribe should not fight between the one another, and it should always fight with the other tribes. If another member of other tribes comes, they should kill it, and there is no kisas for that. Kisas means any kind of retaliation for that, or blood money for that. Only killing one's own tribe demanded kisas or blood money within the tribe. This is this is also the law of 70 sheikhs. If we come across Islamic pre-Islamic Arab, there was a rule of 70 sheikh. Sheikhs are chieftains who came across a certain number of laws that were valid amongst their tribe, and Muduka was one of them. And secondly, whether there was an understanding between all the tribes. If we go in across Quran, we find that there may be that, because it is said that all the tribes came and together and said that let us not fight in the Kaaba region, in the Makkah region, which was considered as holy. So this is actually another perspective, that they had some understanding between the inter-tribe understanding was there. But to tell that there was a law, that is a written document, that one tribe is saying that I have made an agreement with the other tribe. Even if we go into the Confederates chapter of Quran, that says, that establishes in fact the constitution of Medina, even and the time period that is said about, that is 6th to 7th century, it is highly impossible that such kind of structures or legal structures were there in those days beyond Muduka. Yeah, I accept Muduka was there, that is the wasul within the tribes were there, and to tell that it extended or transcended the Muduka, I think so, or the law of the 70 sheikhs will be a far-fetched story. And here I want to say that it is also written in the Quran, in fact in Al Anfil, I think so, not maybe I'm not clear here, but there was a dam in that region of Arab. And it was 500 years before the birth of Muhammad, that as it is said. And it was, I think, Nasca or something. There was a city in the Yemen. And that city, I have forgotten the name of the city. And it was said that there was a dam, and the dam actually collapsed before Muhammad. And Muhammad was born in a period when there was a economic crisis going on. But if we look at the current scenario of the current situation of Makkah, the position of the tribes and everything, it does not suggest such kind of placement or such kind of geography that the Quran is talking about. Even the Bakka, where the word comes Bakka in Quran, is also not the Makkah
they have forgotten the most important name in entire Quran, and that is the Makkah. They have forgotten it. There is no Makkah in Quran. Anyways, thank you, Renormalize ji. आज हम खदीजा के बारे में बात कर रहे हैं और अरब का परिचय जो हमारा फर्स्ट भाग था. देन वी वर टॉकिंग अबाउट अरब एंड व्हाट ऑल वर देयर इन अरब. पायरो कंट्रोलर जी, आपका बहुत स्वागत है. जय हिंदू राष्ट्र बोलिए. जय हिंदू राष्ट्र. बहुत दिनों के बाद प्रीति मैम आज मैं आ पाया जी. क्यों? माफी चाहूंगा. बस नहीं सुनता रहता हूँ, लेकिन कुछ मशरूफियत थी अपने काम के सिलसिले में और उसमें बस थोड़ा सा. तो आप इतने सारे उर्दू के शब्द, माफी चाहूंगा, मशरूफियत थी, ये सारे क्यों बोल रहे हैं? आप पहले मुसलमान थे. कितने सारे जो ये मुस्लिम चैनलों को सुन सुन के ना प्लीज हमारे हकीकत में तो ऐसा ही है. क्षमा बोले और बिजी था, इंग्लिश ही बोल दे वो भी बेटर है. प्लीज उर्दू ना बोला करें. नहीं आप ऐसा लगता है कोई पत्थर मार रहा है. नहीं उर्दू तो वैसे कोई मुस्लिम ऐसा लगता है जैसे कोई पत्थर मार रहा है. हिंदू हिंदुओं की भाषा है 100% इंडिया नहीं से है, नहीं है नहीं है उर्दू. ये टेररिस्ट की भाषा है. वो तो अरबिक हो सकती है, उर्दू तो नहीं हो सकती मेरे इसकी ही है. मैं आपको बताऊंगी उसके बारे में एक और उसमें. आज मुझे जल्दी है तो आपको खदीजा के विषय में कुछ बोलना है तो बोलिए. मुझे तो बस यही लगता है कि एक वेल्दी लेडी थी और अपने जैसे होता है ना कि बिजनेसमैन या बिजनेस वुमन, उसको एक मौज बाहर करने के लिए यंग लड़का चाहिए था, उसने शादी कर ली. मेरा तो यही मानना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं था. दो खत्म हो गए, चलो तीसरा एक ही और ये रख लेते हैं. होता है ना नौकर टाइप का था तो चलो इसको ही बना लेते हैं, अब ये और कोई चाहिए उसको. एक मतलब बुढ़ापे की लस्ट कह लो उसको या कुछ भी कह लो उसकी थी, तो उसने पूरा करने के लिए रख लिया. पहली बात कि वो बहुत जवान थी, वो बूढ़ी थी ही नहीं, वो केवल 2.5 साल बड़ी थी. आपने कुछ भी स्ट्रीम नहीं देखी है इससे पता चलता है. ये तो मैं कह सकता हूं, मैं कहूंगी कि आप पूरी स्ट्रीम देखिए ताकि आपको पता चले खदीजा जो. पर ये तो 40 प्लस बताते हैं ना सारे के सारे इसको. बिल्कुल गलत बताते हैं. मैंने अभी ये भी बताया है कि कौन बताता है 40 ईयर्स, जो कि गलत एक ही बंदे ने बताया और हाकिम ने, और उसने अपनी एज भी गलत बताई है 120 साल. और इब्ने अब्बास ने सही बताया कि वो 28 साल की थी खदीजा, और वो सब कुछ मैचिंग है. मैंने इतने सारे प्रूफ दिए. खदीजा के 6 बच्चे हुए. अगर वो इतने साल की होती तो उसके बच्चे हो ही नहीं पाते, वो मेनोपॉज में होती. तो मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप स्ट्रीम देखिए. रुपेश जी, आपका आपको जय हिंदू राष्ट्र बोलिए. जय हिंदू राष्ट्र, जय सनातन धर्म, सब किसी को जय श्री राम जी. ये जो आज के किताब में जो जितना सारा बातें जो निकल के आया है, तो बड़ा होने के लिए, सीनियर होने के लिए अपने आप को इतनी एज बढ़ा के बोले हैं, और जो जुबान से एक बार निकलता है बातें, जो एक बार बात निकलती है उसको कभी भी वो झूठ बोल के उसको क्या करते हैं, जुबान से बदल देते हैं. जब भी चाहे वो झूठ बोल सकते हैं. तो यही जो चालबाजी है खुद को सीनियर दिखाने के लिए, झूठ वो उस वक्त भी बोला जाता था, आज भी झूठ ही बोला जाता है. ऐसे ही हम लोग भी आज स्ट्रीम में कमेंट में हम लोग लिखे हैं, मेरी एज 500 साल है. ठीक है, वहां पे एक मैडम एक और कमेंट में लिखी है, नाम मैं भूल गया, मेरी एज, मेरी उम्र 1000 साल है. मैं बाद में फिर लिखा, मेरी एज 10000 साल है. तो ऐसे ही झूठ के ऊपर ये लोग सीनियर, खुद को सीनियर दिखाते हैं, असल में ये झूठ के ऊपर ही टिका हुआ है. और देखिए, मैं एक और बात करना चाहता हूँ कि जो फातिमा जो आपने बताया किताबों से, जो बात फातिमा कही, बड़ी इम्पोर्टेंट बात कही रूपेश जी कि झूठ पर ये टिके हैं. तो मैं बता दूं, न केवल अल्तकिया बल्कि दारूराह एक चीज है, आप याद कर लीजिए. दारूराह, अल दरूराह, दरूरा DARURAH, इसका मतलब ये होता है कि जैसे जो नॉर्मल चीजें हराम है इस्लाम में, जैसे पोर्क खाना हराम है, लेकिन जब आपके ऊपर पास ऐसी वो आ जाए, परिस्थिति आ जाए, तो आप पोर्क खा सकते हैं. तो इसको अल दरूरा कहते हैं. ये अल तकिया और अल दरूरा, और इस्लाम में किसी को लाने के लिए आप कोई भी झूठ बोल सकते हैं, ये अलाउड है.
जी कंटिन्यू। अभी आज के हिस्ट्री में बोला गया कि जो फातिमा जी थी वो उनके जो मोमो थे उनके वंशज जो है वही बेटियां चला रही थी, ठीक है, क्योंकि बेटों तो जिंदे रहे नहीं तो वही चला रही थी। अब देखिए उन्हीं के किताबों में लिखा है ये कहाँ जाएंगी, दोजक में जाएंगी, यानी खुद की बेटी कोई मोल नहीं, नहीं, रुपेश जी, कोई जिसके मोल लिए नहीं। मैंने कल बताया था कि वो मोहम्मद के बच्चे जन्नत में जाएंगे, जो खदीजा के साथ हुए हैं, बेटियां भी जी, मोहम्मद के बेटियां बच्चे में जाएंगी जन्नत और बाकी में सारे बाहर में जाएंगे। जाएंगे, बाकी सारे बाहर बाकी में जो है जाएंगे। वो बाकी वाह, जी सारे जो विमेन हैं वो 99% जहन्नुम में होंगी। जो 1% हैं वो मोहम्मद की रिश्तेदार, जो मोहम्मद की अपनी बेटियां हैं और खदीजा है, ये लोग होंगी जन्नत। वाह वाह, क्या चालाकी है, हा? हम रहे कुर्सी पे, तुम रहो रोड पे, वाह क्या बात है। वही स्लेव बिल्कुल और बिल्कुल वही वाला बात हो गया ना, हाँ। और वही वो जो वाला बात हो गया। काफिर के, किसी ने पूछा, जो काफिर के बच्चे होंगे ना, जैसे हम लोग नॉन मुस्लिम हैं, तो इनके जो बच्चे मर जाते हैं ना, जो तुरंत पैदा होके, उन्होंने तो कोई पाप भी नहीं किया, ना वो इस्लाम में आए, या उनको तो इस्लाम का पता भी नहीं है, जो बहुत छोटे बच्चे, बच्चा पैदा होते ही मर जाते हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? किसी ने मुसल से पूछा तो मोहम्मद ने कहा वो जन्नत में वो होंगे, नौकर होंगे इनके, वहां हमारे पे जो देखिए, बच्चे बचपन जी में, हम लोगों के जो बच्चे पैदा होके मर जाते हैं, वो इनकी जन्नत में नौकर होंगे। उसी वक्त से चला रहा है मास्टर और स्लेव, मास्टर और स्लेव, यानी कि ये सब वहीं से चला रहा है, ऐसे ही चला रहा है। हम रहे कुर्सी पे, तुम रहे रोड पे, तो अपनी सुविधा के अनुसार जो अपना तो कार्य कर लिए आराम से बैठ बैठ के, बस इधर से आ रहा है उधर से आ रहा है, ये कि आ रहा है दूसरे का पैसा मार मार के अच्छा, इकट्ठा आ रहा ये है। तो जी और इम्पोर्टेंट बात देखो रुपेश जी की, और रीनॉर्मलाइज्ड और पायरो जी की, इसने इतना वो करा कि जब खदीजा ने तो इसको थोड़ा सा चढ़ाया पैगंबर, ये और भी चढ़ गया, और इसने यहां तक कह दिया कि खदीजा के लिए तो महल है और इसके बच्चे तो, जो खदीजा के साथ बेटियां हुई हैं, वो तो जन्नत में जाएंगी, लेकिन खदीजा के जो पहले दो हस्बैंड के साथ बच्चे हैं वो सारे जहन्नुम में जाएंगे। अब खदीजा को तो ये बात सुन के अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि खदीजा के हैं वो बच्चे, चाहे वो किसी और पति के साथ हैं, पर हैं तो उसके भी बच्चे, तो उसको ये बात नहीं अच्छी लगी। तो ये इतना बढ़ गया कि इसने खदीजा के जो बच्चे हैं, इसके सौतेले जो बच्चे थे, उनके लिए भी, उनको भी जहन्नुम भेज दिया। अभी अभी एक और मैं बात बोलूं कि यहाँ पे आपने किताब में पढ़ा था कि वो जो बच्चे जो मर गए थे उन्होंने कोई कर्म नहीं किया, कोई पाप भी नहीं किया, तो वो कैसे अधिकार हुआ उनको, कैसे वो दोजक मिला, जहन्नुम कैसे मिला, जो कि कोई नहीं, पाप जो नहीं बच्चे किए। कौन से, जो नॉन बिलीवर, जो हमारे बच्चे नहीं हैं, जो नहीं 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 जो अभी आपने बताया ना कि हाँ खदीजा उनकी के जो पहले पहले, पति जी के बच्चे थे हाँ हाँ वो, हाँ 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 वही वही हाँ बस वही, वो, क्योंकि वो काफिर थे इसलिए वो जहन्नुम जाएंगे। अच्छा काफिर थे, जी, बोलिए। बस मुझे अब स्ट्रीम एंड करनी है, तो मैं एंड कर देती हूँ स्ट्रीम, क्योंकि अब खदीजा के बारे में हमने काफी डिस्कशन कर लिया और मुझे जाना है कहीं, तो आप लोगों का बहुत बहुत साधुवाद आने का। तो सब लोग जो हैं वो प्लीज मेरी इस स्ट्रीम को शेयर करिए, क्योंकि काफी हम लोग पढ़ते हैं और रिसर्च करके चीजें निकालते हैं, जो आपको एक्स मुस्लिम्स की उसमें भी नहीं मिलेंगी। ऐसी भी हमने कई सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस करी हैं। जो एक इम्पॉर्टेंट चीज पायरो कंट्रोलर जी आपके जानने के लिए है, वो ये है कि एक बहुत बड़ा कबीला था जो डकैत का था, डकैतों का, शायद रीनॉर्मलाइज जी को भी न पता हो उसका नाम, मैंने उसमें से जाके आप सुन लेना जो मैंने पढ़ के बताया था, कि वो पूरा कबीला इस्लाम में कन्वर्ट हो गया था, जो लूटपाट करते थे, डकैत थे, तो दैट इज वाई बेदुइंस, ये लोग इतने इस तरह के थे। बेदुइंस वर डूइंग प्लंडरिंग, इट इज नहीं, बेडुइंस तो सारे ही थे, बेडुइंस तो वहां पे खानाबदोश लोग थे, जो कि जिसके वहां से एक खदीजा की माँ आती थी, एक बहुत ही एडवांस्ड बेडुइन कबीला था, जो कि जहां पर स्त्रियां अपना हस्बैंड खुद चूज करती थी। लेकिन आप ये देखना, एक पूरा एक जाति थी वहां पर, जो जो डकैत थी, जो डाकू थे, लोगों को लूटते थे, वो सारे इस्लाम में धर्मांतरण करवा लिया उन्होंने।
मक्का में। वन ग्रुप ऑफ क्रिश्चियन क्रिश्चियन कम्युनिटी वाज देयर, दैट इज घासकिन और समथिंग वाज, इट वाज देयर इट इन द नॉर्दर्न अरेबिया, वी फाइंड देयर देयर एग्जिस्टेंस आल्सो, दे वर एरियन एरियन क्रिश्चियन। हां वो सारे मैंने आपने मेरा पार्ट वन देखो तो आपको सारे कबीले पता चल जाएंगे। एनीवेज आप सब लोगों का साधुवाद बहुत, और मैं जो हूँ वो आप सब लोगों को फिर से इंसिस्ट करती हूँ कि इस स्ट्रीम को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि बाकी के हिंदूज अवेयर हों, और आप सब लोगों का जो है सेकुलर हिंदूज पे काम करिए, मुसलमानों को धर्म वापसी कराने का कार्य मत कीजिए, वो कार्य एक्स मुस्लिम्स कर रहे हैं और हमारे सिर के बाल नोच जाएंगे पर वो नहीं होंगे। तो आप जो है सेकुलर हिंदूज को जो है वो कन्वर्ट करिए और उनको जागृत करिए, एक हिंदू को डेली करिए, और अपना एक सेल्फ डिफेंस की सारी चीजें घर में रखिए, और एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए अपने हिंदुओं का जो आप जानते हैं जिनको। कल फिर मिलेंगे सामवेद में। जय हिंदू राष्ट्र।